अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.untoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भाई बहन का सच्चा प्यार। आज भाई दूज का दिन था और गट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि चिंकी की नींद अब तक नहीं खुली थी। गट्टू लिविंग रूम में बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था और हंस रहा था, तभी मम्मी वहाँ आती है। अरे गट्टू, आज तुम जल्दी उठ गए और ये चिंकी अभी तक सो रही है, भला ये सब क्या हो रहा है आज? पता नहीं मम्मी, शायद आज उसे ज्यादा सोने का मन होगा। और मेरे तो फेवरेट प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, वो देखना तो जरूरी था ना। स्पेशल एपिसोड? वैसे इससे याद आया, चिंकी भी तो कल जल्दी उठने का ही कह रही थी ना। तभी अचानक से चिंकी गुस्से से बाहर आती है और गट्टू पर चिल्लाने लगती है। मम्मी, गट्टू ने रात में जानबूझकर मेरा अलार्म बंद कर दिया और मैं जल्दी नहीं उठ पाई। अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंकी? जरा ठीक से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? आज मेरा फेवरेट कार्टून का स्पेशल एपिसोड टीवी पर आने वाला था और गट्टू के फेवरेट कार्टून का भी स्पेशल एपिसोड सेम टाइम पर आना था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, चैनल चेंज कर करके, पर गट्टू ने जानबूझकर मेरा सुबह वाला अलार्म बंद कर दिया और चीटिंग करी और अकेले ही अपना कार्टून देख लिया। अरे भला इसमें चीटिंग क्या, तुम्हारा अलार्म नहीं बजा उसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट गट्टू, क्या सच में तुमने ऐसा किया? तभी चिंकी गुस्से में मम्मी से कहती है। मम्मी, इसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं गट्टू से बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पर दोनों का मुंह फूल जाता है और मम्मी दोनों को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। अरे पर तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, आज भाई दूज है। मम्मी, पर गलती गट्टू की ही है, इससे कहो मुझे सॉरी बोले तभी मैं इसे टीका लगाऊंगी। भला मुझे तुमसे टीका लगवाने की क्या जरूरत, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। गट्टू, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मम्मी पापा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों में से कोई नहीं मानता। दोपहर में सब लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गट्टू चिंकी, तुम दोनों अब तक एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। अरे अब तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे? चिंकी, क्या तुम शाम को गट्टू को टीका भी नहीं लगाओगी? टीका? पर मम्मी, टीका तो भाइयों को लगाते हैं ना, मेरा कोई भाई नहीं, मैं तो सिर्फ बंटी और हरी को टीका लगाऊंगी, वो हर साल मुझसे टीका लगवाने आते हैं। मम्मी, किसी को ये बता दो कि मुझे भी अनजान लोगों से टीका लगवाने का कोई शौक नहीं है। ओह, लगता है इन दोनों का झगड़ा इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मम्मी पापा हार मान लेते हैं और गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहते। शाम को हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाने आते हैं। चिंकी, मैं और बंटी तुमसे हर साल की तरह फिर से भाई दूज पे टीका लगवाने आए हैं। अरे आओ आओ हरी बंटी, तुम दोनों कितने अच्छे हो, कभी भी भाई दूज पर मुझे नहीं बोलते। हाँ चिंकी, पर ये गट्टू कहाँ है? मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे, फिर से कोई चीटिंग कर रहा होगा। है ये क्या कह रही हो चिंकी, गट्टू तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ, मैं सिर्फ तुम दोनों को ही टीका लगाऊंगी। तभी पीछे से मम्मी आरती की थाली लेकर आती है। चिंकी, ऐसे नहीं कहते बेटा, गट्टू भी तुम्हारा भाई है ना, ये लो आरती की थाली, इसमें से हरी और बंटी को टीका लगा दो। ओके मम्मी। चिंकी बारी बारी से बंटी और हरी को टीका करती है। वहाँ दूसरी तरफ गट्टू दुखी होकर घर की बालकनी में अकेले बैठा था, जब हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाकर और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं। तभी चिंकी किचन में जाकर मम्मी से धीमे से पूछती है, मम्मी गट्टू कहाँ है? चिंकी, गट्टू कब से बालकनी में उदास बैठा है, सारे भाइयों ने अब तक अपनी अपनी बहनों से टीका लगवा लिया होगा और तुम दोनों की छोटी सी बहस की वजह से देखो इतनी देर हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है अब। चिंकी को ये सुनकर दुख होता है और वो गट्टू को माफ कर देती है। वो बालकनी में गट्टू के पास आरती की थाली लेकर जाती है। गट्टू आओ, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। अरे चिंकी,
गट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंकी, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ गट्टू, आज तो भाई बहन का दिन होता है ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब आओ, इससे पहले और देर हो मैं तुम्हें टीका लगा दूँ। ओके चिंकी। चिंकी गट्टू को टीका लगा देती है। तभी गट्टू को कुछ याद आ जाता है। चिंकी मैं अभी आया, तुम यहीं वेट करो। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो गट्टू? इतने में गट्टू दौड़कर अपने रूम में जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वापस चिंकी के पास आ जाता है। ये लो चिंकी। अरे ये क्या गट्टू? ये तुम्हारा गिफ्ट, मैं कल ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, भाई दूज का गिफ्ट। इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। अच्छा क्या है इसमें? वो तो तुम खुद ही खोल कर देखो। चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोल कर देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उस गिफ्ट के अंदर एक की चेन थी जिस पर चिंकी का फेवरेट कार्टून बना हुआ था। अरे वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू गट्टू। वेलकम चिंकी, और सुबह वाली मेरी शरारत के लिए सॉरी भी चिंकी। इट्स ओके गट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। दांत का दुख, बच्चे तो होते ही है चटर पटर, जो भी डिश स्वीट डिश सामने आ जाए उसे झट से चट कर जाते हैं। गट्टू भी बिल्कुल ऐसा ही था, खाने का उसे बहुत शौक था, दिन भर बस खाता ही रहता था, स्वीट तो उसका फेवरेट था। और बात अगर चॉकलेट्स की हो तो फिर पूछो ही मत, पूरा दिन सिर्फ चॉकलेट्स पर ही निकाल सकता था गट्टू। इस बात से मम्मी भी काफी परेशान थी। अरे नहीं नहीं, गट्टू चॉकलेट खाता है इस बात से मम्मी परेशान नहीं थी, ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से कहीं गट्टू का कोई दांत ना खराब हो जाए, इस बात का डर रहता था मम्मी को। गट्टू बेटा बहुत हो गया चॉकलेट्स खाना, दांत खराब हो जाएंगे। अरे मम्मी डोंट वरी, 32 दांत है, एक खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। गट्टू ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, मैं सीरियस हूँ। तुम दिन भर बस कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो लेकिन दांतों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। क्या सिखाया जाता है स्कूल में? हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए और तुम सुबह का ब्रश भी ठीक से नहीं करते हो, बस पेस्ट ब्रश को लगाया, ब्रश दांतों को लगाया और हो गया ब्रश। ये ठीक बात नहीं है बेटा। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। गट्टू ने भी ठीक वैसा ही किया, उसने मम्मी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी आदतों पर अड़ा रहा। रोज गट्टू चॉकलेट नहीं तो फिर कोई और स्वीट डिश खाता ही रहता था। लेकिन फिर पानी से कूला करना तो दूर की बात है, वो ये भी भूल जाता था कि उसने कुछ खाया है और दोबारा मांगता था, मम्मी गुलाब जाम। ऐसा था गट्टू, सुबह का ब्रश भी ठीक से नहीं करता था, ब्रश करना काफी बोरिंग लगता था उसे। ब्रश करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, पता नहीं हम इंसानों को ब्रश करना कौन सिखा कर गया, जानवर थोड़ी ब्रश करते हैं फिर भी उनके दांत कैसे मजबूत रहते हैं। बंदर तो दिन भर मेरी तरफ कुछ ना कुछ खाता ही रहता है और ब्रश भी नहीं करता, फिर भी उसके दांत खराब नहीं होते। तभी मम्मी ने आवाज लगाई, गट्टू ब्रश हुआ कि नहीं? देखो चिंकी तो स्कूल के लिए रेडी भी हो गई है। मम्मी बस 2 मिनट, पता नहीं है चिंकी सब कुछ इतना फटाफट कैसे कर लेती है, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा कहकर गट्टू ने ब्रश को पेस्ट लगाया, ब्रश मुंह में 1-2 बार इधर उधर घुमाया और हो गया उसका ब्रश। अब ऐसी खराब आदत हो तो उसका नतीजा अच्छा तो नहीं निकल सकता। गट्टू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक रात अचानक गट्टू का दांत जोर जोर से दर्द करने लगा और गट्टू जोर जोर से चीखने लगा। क्या कहा था मैंने, हो गई ना दांत में कैविटी? मम्मी प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान दांत के बीच आकर फंस गई है। डोंट वरी, मुझे पता है दांत का दर्द क्या होता है, तुम्हें पेन किलर देती हूँ, उससे सुबह तक आराम मिलेगा, फिर कल पापा के साथ डेंटिस्ट के पास जाकर आना। फिर पेन किलर खाकर गट्टू सो तो गया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई पेन किलर का असर खत्म और गट्टू फिर से चिल्लाने लगा। आ, 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 मम्मी, आ।
अरे हाँ बाबा, रुको, हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। तभी चिंकी गट्टू के पास आकर बोली, तुम डेंटिस्ट के पास जा रहे हो ना? जरा संभल कर। गुट्टी बता रही थी उसके भैया का तुम्हारे जैसे ही दांत दुख रहा था, तो डेंटिस्ट ने उसका दांत ही जड़ से निकाल कर फेंक दिया था। आ, 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 आ। तभी वहाँ पापा आए। क्या हुआ गट्टू, चलो चले। नहीं पापा, मैं ये दर्द सह लूंगा, नहीं तो फिर पेन किलर ले लूंगा, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। आ, आ। अरे लेकिन बात क्या है, चिंकी ने कुछ बताया क्या? ये सुनकर चिंकी वहाँ से भाग गई और पापा सब कुछ समझ गए। फिर पापा गट्टू को समझा बुझाकर अपने दोस्त के डेंटल क्लिनिक में ले आए। गट्टू काफी डरा हुआ था, उसे लग रहा था कि उसका दांत निकाल कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो डेंटिस्ट अंकल से मिला, उनका कूल बर्ताव देखकर गट्टू का दर्द और डर थोड़ा कम हुआ। गट्टू डोंट वरी, तुम्हारा दांत कोई नहीं निकालेगा, बस हम चेकअप करेंगे और फिर मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख कर दूंगा, वह खाते ही दांतों का दर्द गायब। फिर डेंटिस्ट अंकल ने गट्टू को उनकी खास चेयर पर बैठाया और लाइट्स ऑन किया। अंकल, सच में आप मेरा दांत नहीं निकालोगे ना? नहीं बेटा, रिलैक्स। आ, 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 आ। बेटा रिपीट नहीं करना है, अपना मुंह खोलो। फिर गट्टू ने मुंह खोला और अंकल चेक करने लगे। अंकल का हाथ लगते ही गट्टू का 90% दर्द और डर भी गायब हो गया। चेकअप होते ही डेंटिस्ट अंकल पापा से बोले, डोंट वरी, बस थोड़ी सी कैविटी है, मेडिसिन का कोर्स खत्म होने से पहले ही भाग जाएगी। हर्ष, जरा समझाओ इसे, ये ब्रश नहीं करता और चॉकलेट भी बहुत खाता है। डेंटिस्ट अंकल मुस्कुराते हुए बोले, अब गट्टू को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, दांत के दर्द ने उसे बहुत कुछ समझा दिया है। क्यों गट्टू, सच कहा ना? हाँ अंकल, मैं समझ गया हूँ कि दांत का दर्द क्या होता है और दांतों का ख्याल रखना, ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब गट्टू का दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका था। पापा डेंटिस्ट अंकल के साथ बातें कर रहे थे और गट्टू पूरा क्लिनिक घूम रहा था। वह क्लिनिक और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बिल्कुल अलग थे। गट्टू पहली बार डेंटिस्ट के क्लिनिक आ रहा था, इसलिए उसके लिए वो बिल्कुल नया और अनोखा एक्सपीरियंस था। वहाँ जगह जगह दांतों के डायग्राम्स, मॉडल्स और पोस्टर्स थे जिन पर काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। गट्टू ने वो सब भी देखा और ध्यान से पढ़ा भी। गट्टू बेटा चलो। बाय बाय अंकल। बाय गट्टू। फिर गट्टू पापा के साथ घर चला आया। कुछ ही दिनों में उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और साथ साथ उसकी आदतें भी। गट्टू अब दो बार और काफी अच्छे से ब्रश करने लगा, चॉकलेट वगैरह उसने कम कर दिए और इस प्रकार गट्टू अब अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रख। चिंकी की ड्राइंग क्लास। गट्टू और चिंकी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो अब उनके सब्जेक्ट्स भी बढ़ रहे थे, इसीलिए स्कूल में अब उन दोनों के लिए पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था अब वो कंपलसरी बन गया। उस सब्जेक्ट का नाम था ड्राइंग। चिंकी को ड्राइंग काफी पसंद था, लेकिन जब भी चिंकी ड्राइंग का नाम सुनती तो उसे टेंशन आ जाता था, क्योंकि उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी और उसके कारण उसे एक बार बहुत डांट भी लगी थी। कुछ दिनों पहले चिंकी के क्लास में सर ड्राइंग पढ़ा रहे थे। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि मोर का चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सर की तरफ देख रहे थे, सबका ध्यान सर ही की तरफ था, लेकिन चिंकी अपना खुद अलग से ड्राइंग बना रही थी और अचानक सर की आवाज आई, तो ड्राइंग कौन बनाएगा? यहाँ ब्लैक बोर्ड पर चिंकी बेटा तुम आओ। चिंकी का तो ध्यान ही नहीं था, सो वो ड्राइंग कैसे निकालती? उसने अपनी गलती मान ली और सर को बताया। सर, जब आप सिखा रहे थे तब मैं अलग ड्राइंग बना रही थी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर क्या था? सर ने चिंकी को डांटा और तब चिंकी ने ठान लिया कि वो मोर का ड्राइंग सीख कर ही रहेगी। चिंकी को ड्राइंग वैसे भी बहुत पसंद था, बस उसे थोड़ा सीखने की जरूरत थी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आए। गट्टू जोर जोर से हंसने लगा और चिंकी मायूस हो गई, लेकिन तभी मम्मी वहाँ आ गई। बच्चों, मस्ती नहीं। मम्मी, ये गट्टू मुझे चिढ़ा रहा है मेरी ड्राइंग को लेकर। क्यों गट्टू,
ऐसा नहीं करना है। इसे मोर का ड्राइंग बनाना नहीं आया। चिंकी बेटा तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा रेनबो ड्राइंग क्लासेस में एडमिशन करवा देते हैं, तुम टेंशन मत लो। इसलिए चिंकी का मूड उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मम्मी ने ड्राइंग क्लास के बारे में कहा, चिंकी खुश हो गई। मम्मी ने ये देख लिया था। इसके बाद गट्टू चिंकी दोनों की ड्राइंग क्लास में एडमिशन हो गई। क्लास का नाम था रेनबो ड्राइंग क्लास। क्लास में पहुंचने पर सभी बच्चे एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि आज से उनकी ड्राइंग की क्लास शुरू होने जा रही थी। सबके चेहरे पर स्माइल थी और सभी अपनी अपनी लाई हुई चीजें दिखा रहे थे। देखो देखो, मैंने वाटर कलर्स लाए हैं। तुम्हारे पास कौन से कलर्स हैं गट्टू? मेरे पास है पेंसिल कलर्स। देखो ये कितने सारे कलर्स हैं। मैंने तो यार वैक्स कलर लाया है, मुझे पेंटिंग्स में रंग भरना अच्छा लगता है। सभी दोस्त एक दूसरे को कलर्स दिखा रहे थे और अपने अपने प्लान्स बता रहे थे। भूषण ने वाटर कलर लाए थे तो उसने अपने बैग से ब्रश भी निकाला और वो पूरे क्लास को दिखाने लगा। डंटडन, और ये है मेरा हथियार, एक ब्रश, जिससे मैं बनाऊंगा अलग अलग ड्राइंग। और तुरंत उसके बाद गट्टू ने हाथ में ब्रश लिया और कहा, ये तो बहुत बढ़िया ब्रश है भूषण, वाओ, मैं भी इससे ड्राइंग बनाऊंगा, वो भी अलादीन का चिराग। सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन चिंकी जो हमेशा उछलती कूदती थी, आज वो शांत बैठी थी। तो गट्टू ने उससे पूछा, चिंकी तुम कौन सा ड्राइंग बनाओगी? चिंकी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लगता है चिंकी ड्राइंग बनाना ही भूल गई। क्लास में बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी ड्राइंग सिखाने वाले सर वहां आ पहुंचते हैं। रेनबो क्लास में सिखाने वाले ये सर ड्राइंग सिखाने में बहुत फेमस थे। आते ही उन्होंने सब बच्चों से बातचीत करनी शुरू कर दी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? आज से मैं तुम्हारा ड्राइंग टीचर हूँ, ठीक है? तो अब मैंने जैसे अपना नाम बताया, वैसे सभी अपना अपना नाम बताएंगे। और साथ ही मुझे ये बताना कि आपको कौन सा ड्राइंग निकालना अच्छा लगता है। एक एक करके बच्चे अपना नाम बता रहे थे और साथ ही मैं उसे कौन सा ड्राइंग निकालना है उसका नाम भी बता रहे थे। गट्टू ने कहा, मुझे अलादीन का चिराग निकालना है। इसके बाद भूषण ने कहा, मुझे पानी में तैरती जहाज का ड्राइंग बनाना है। सबने अलग अलग चीजें बताई और जैसे ही चिंकी की बारी आई तो वो चुप थी। तो सर ने कहा, बताओ चिंकी, तुम्हें कौन सा ड्राइंग निकालना पसंद है? अरे अरे डरो मत, यहाँ हम सारे तुम्हारे दोस्त हैं। सर मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं आती, मुझे डर लगता है कि मैं खराब ड्राइंग ना बनाऊं। इसमें डरने की क्या बात है चिंकी, मैं तुम्हें अच्छा ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। बात ये थी कि मम्मी से ड्राइंग वाले सर को ये पता चला था कि चिंकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत होशियार है, ड्राइंग भी निकालना उसे आता है, बस उसे और शार्प बना दो ड्राइंग सब्जेक्ट में। तो सर ने चिंकी को क्लास के बाद कहा, चिंकी बेटा यहाँ आओ। जी सर। चिंकी मैंने सुना है तुम सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हो, है ना? लेकिन सर ड्राइंग बहुत हार्ड लगता है मुझे। लेकिन तुम्हें ड्राइंग पसंद तो है ना? हाँ। देखो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, और जो हमें पसंद है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। अगर हम मन लगाकर काम करते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो सब हार्ड चीजें इजी हो जाती है, उसी तरह ड्राइंग भी है। तुम एक काम करो, कल तुम्हें जैसा आए वैसा एक ड्राइंग निकाल कर लाना। क्लास के बाद जब गट्टू चिंकी घर आते हैं तो मम्मी पूछती है, गट्टू चिंकी कैसी रही तुम्हारी ड्राइंग की क्लास? हम सब अलग कलर्स लेकर आए थे, और पता है भूषण तो कलर्स का ब्रश लेकर आया था, और हमें होमवर्क में ड्राइंग निकालने के लिए भी कहा है। तुम बताओ चिंकी। हाँ मम्मी बहुत मजा आया, सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया। अब चिंकी के चेहरे पर पहले जैसी मायूसी और डर नहीं था, वो भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी। मम्मी समझ गई थी कि चिंकी का ड्राइंग को लेकर जो डर था वो खत्म हो गया है। बाद में गट्टू और चिंकी ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई और दूसरे दिन क्लास में उसे लेकर गए। तो सर ने सभी को दोनों की ड्राइंग दिखाई। सभी बच्चे गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाएंगे। सर के कहते ही पूरे क्लास में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। गट्टू तो अच्छी ड्राइंग निकालता ही है,
लेकिन चिंकी जो कल तक ड्राइंग सब्जेक्ट से डरती थी, उसने भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। उस दिन से चिंकी को ड्राइंग सब्जेक्ट सुनकर कभी डर नहीं लगा। हार्ड लगने वाला ड्राइंग सब्जेक्ट चिंकी के लिए आसान बन गया। वेरी गुड चिंकी, अब ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग बनाते रहना। हाँ सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से अब मैं अच्छी ड्राइंग बना सकती हूँ। उसके बाद जब बच्चों की एग्जाम हुई तो चिंकी को ड्राइंग में बहुत बढ़िया मार्क्स मिले थे, उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। इस तरह रेनबो ड्राइंग क्लास में चिंकी का ड्राइंग और भी बढ़िया हुई और उसके बाद चिंकी ने बहुत से चित्र बनाए। फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चों, आपको तो पता ही है स्कूल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। उन सभी सब्जेक्ट में से एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है। वह सब्जेक्ट कोई भी हो, जब भी उसकी बुक सामने आ जाती है हमें अच्छा फील होता है। उस सब्जेक्ट की नोटबुक भी हम सबसे खास चुनते हैं और हमारे फेवरेट सब्जेक्ट का पीरियड शुरू हो जाए तो फिर बात ही क्या, समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन गट्टू चिंकी के स्कूल में कुछ अधिकारी आए थे। ऑफिशियल काम खत्म होते ही वो क्लास में आकर बच्चों से बातें करने लगी। बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स खास होते हैं, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट होता ही है जो हमारा सबसे खास होता है। अब हम फेवरेट सब्जेक्ट पर बात करेंगे, एक एक करके बताना आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बंटी है और मुझे अंग्रेजी सबसे ज्यादा पसंद है। ओ नाइस, थैंक्स बंटी। नेक्स्ट। सर, मैं गुड्डी, मुझे सबसे ज्यादा रुचि हिंदी विषय में है और हिंदी कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड्डी, आगे। हेलो सर, मैं चिंकी हूँ और मुझे चित्रकला पसंद है। ब्यूटीफुल। हाँ बेटा, तुम बोलो, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ये सवाल था गट्टू के लिए। गट्टू जवाब देने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो अधिकारी के साथ साथ पूरी क्लास का ध्यान और कान गट्टू पर लग गए कि गट्टू अब कौन सा सब्जेक्ट बताएगा। और जैसे ही गट्टू ने सब्जेक्ट का नाम बताया सब शॉक्ड हो गए। हाय सर, मेरा नाम गट्टू है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। ओह, वेरी इंप्रेसिव। तभी बंटी बीच में बोल पड़ा। सर, गट्टू झूठ बोल रहा है, उसे मैथ नहीं साइंस पसंद है। गट्टू, बंटी जो कह रहा है क्या वह सच है? कल तक सच था सर, लेकिन आज सच नहीं है। मुझे कल तक साइंस पसंद था, लेकिन आज मुझे गणित सबसे ज्यादा पसंद है। गट्टू का ये जवाब सुनकर सारी क्लास हंसने लगी। अरे गट्टू, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। नाइस आइडिया बंटी। गट्टू, अगर तुम्हें सच में मैथ पसंद है तो मैं बोर्ड पर एक गणित तुम्हें देता हूँ, उसे सॉल्व करके दिखाओ। अब आएगा मजा। फिर उस अधिकारी ने गट्टू को बोर्ड पर एक गणित लिख कर दिया और सॉल्व करने को कहा। गट्टू बोर्ड के पास आया और उसने चुटकियों में वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक्सीलेंट, प्लीज आप सब गट्टू के लिए तालियां बजाइए। गट्टू का कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस देखकर सब शॉक्ड हो गए थे। बंटी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। पूरी क्लास ने तालियां बजाकर गट्टू का अभिनंदन किया। ज्यादातर बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर आर्ट सब्जेक्ट होते हैं, बहुत से बच्चे मैथ से डरते भी हैं। गट्टू, तुम बताओ, तुम्हें मैथ क्यों इतना पसंद है? क्योंकि सर, मैथ में नंबर्स होते हैं और नंबर्स के साथ खेलने में मुझे मजा आता है। मैं नंबर्स के साथ बातें करता हूँ, वो भी मेरे साथ बातें करते हैं और बातों बातों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओह, हाउ इंटरेस्टिंग। तो देखा आपने, हमारे गट्टू का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। क्या मैथ आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट है? गट्टू की बात करें तो गट्टू का मैथ लव इस क्लास और नोटबुक तक ही सीमित नहीं था। गट्टू जहाँ जहाँ रहता था मैथ वहाँ उसके साथ रहता था। एक दिन घर में काफी सारे मेहमान आए हुए थे। गट्टू ने चुपचाप सारे मेहमान गिन लिए। 1, 2, 3, 4। गट्टू भागते हुए मम्मी के पास किचन में जाकर बोला, मम्मी, टोटल 14 लोग हैं, उनमें से 4 छोटे छोटे बच्चे, 6 यंग और बाकी 4 ओल्ड हैं, दादी के उम्र के। मतलब तुम बच्चों के लिए 4 ग्लास दूध, यंग लोगों के लिए 6 मग कॉफी और ओल्ड पीपल के लिए 4 कप चाय रेडी कर सकती हो। गट्टू के आंकड़े और लॉजिक सुनकर तो मम्मी कुछ सेकंड ब्लैंक ही हो गई।
जब भी दूध वाला आता था तब रोज सुबह दूध लेने के लिए ध्यान से गट्टू उठ जाता। दूध वाले के पास एल्युमिनियम का एक लीटर था, आधे लीटर का ऐसे छोटे मोटे माप थे जिससे वो गट्टू के बर्तन में दूध डालता था। ये एक लीटर, ये आधा लीटर, लो गट्टू हो गया तुम्हारा डेढ़ लीटर। गट्टू मम्मी के साथ मार्केट जाता था तब भी मैथ उसका पीछा नहीं छोड़ता था। सब्जी वाली से सब्जी खरीदते वक्त गट्टू का पूरा ध्यान पैसों पर रहता था, लेकिन सब्जी वाली तो मैथ में गट्टू से भी परफेक्ट थी। मम्मी ने नोट देते ही वो झट से अपने पैसे निकाल कर बचे हुए पैसे मम्मी को दे देती थी और वो अमाउंट बिल्कुल करेक्ट रहता था। आंटी, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, फिर भी आप इतना फास्ट हिसाब कैसे करते हो? बेटा, अनुभव, वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीख गई। शुरू शुरू में बहुत गलतियाँ करती थी, तो किसी कस्टमर को ज्यादा पैसे दे देती थी तो किसी को कम, लेकिन मैं भी धीरे धीरे आंकड़ों के साथ खेलना सीख गई और अब तो चुटकियों में हिसाब किताब हो जाता है, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार गट्टू जहाँ मौका मिले वहाँ से मैथ सीख रहा था। स्कूल में भी जब मिश्रा सर बोर्ड पर कोई गणित लिखते तो सॉल्व करने के लिए गट्टू सबसे पहले उठकर आगे आता था और चुटकियों में सॉल्व कर देता था। एक दिन स्कूल में टेस्ट ली गई। मैथ की टेस्ट में गट्टू का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, लेकिन फिर बाकी सब्जेक्ट्स में वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। तब मिश्रा सर ने गट्टू को समझाया, बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मैथ पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मैथ के चक्कर में तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट से फोकस हट रहा है। आगे बढ़ने के लिए मैथ के साथ साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, उन पर भी थोड़ा ध्यान दो, देखना तुम बहुत आगे जाओगे। गट्टू मिश्रा सर की बात समझ गया और उस दिन के बाद वो मैथ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करने लगा। लंच ब्रेक। स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे किसका वेट करते हैं, आपको क्या लगता है? गेम पीरियड का और स्कूल छूटने का इंतजार सभी बच्चों को होता है, लेकिन एक और चीज है जिसका इंतजार बच्चों को होता है, वो है लंच ब्रेक। क्योंकि उस ब्रेक में सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, साथ में खाना खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। सभी बच्चों की तरह हमारे गट्टू चिंकी भी जाते हैं स्कूल, और उनको क्या पसंद होगा। एक दिन पापा गट्टू और चिंकी से पूछते हैं, गट्टू चिंकी तुम्हें स्कूल में सबसे ज्यादा कौन सा वक्त अच्छा लगता है? पापा के इस सवाल का गट्टू ने झट से जवाब दिया, मुझे तो गेम पीरियड अच्छा लगता है पापा। और चिंकी बेटा तुम्हें? मुझे तो पसंद है लंच ब्रेक। अरे हाँ, मुझे भी लंच ब्रेक का वक्त बहुत पसंद है। पापा गट्टू चिंकी के ये सवाल सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी तो जाना है, स्कूल जाओगे तभी तो तुम्हारा प्यारा लंच ब्रेक एंजॉय कर पाओगे। पापा की बात सुनकर गट्टू चिंकी दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं कि तभी गट्टू को एक बात याद आती है और वो धीमी आवाज में चिंकी से कहता है, अरे कल का प्लान भूल गई चिंकी, कल हम सब लंच ब्रेक में पार्टी करने वाले हैं। अरे हाँ, और सब लोग अपने अपने टिफिन में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट डिशेस लाएंगे, ऐसा तय हुआ था, मैं तो भूल ही गई थी। गट्टू ने जैसे ही चिंकी को याद दिलाया, चिंकी एक्साइटेड हो गई और उसने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी तुरंत बाहर आ गई और चिंकी से कहा, क्या हुआ चिंकी? मम्मी का टिफिन में क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और चपाती, क्यों क्या हुआ, कल कुछ स्पेशल है क्या? हाँ मम्मी, उसे तो स्पेशल ही कह सकते हैं। किसी का बर्थडे तो नहीं? अरे नहीं मम्मी। तो फिर? गट्टू चिंकी चाहते थे कि कल मम्मी टिफिन में देने के लिए कुछ खास बनाए, लेकिन उनको कहाँ कुछ पता था कि गट्टू चिंकी और उनके दोस्तों ने मिलकर लंच के लिए क्या प्लान तैयार किया है, इसलिए मम्मी क्या क्यों कैसे सवाल पूछे जा रही थी। तो गट्टू चिंकी ने कहा, चिंकी तुम मम्मी को डिटेल में बताओ कि कल ऐसा क्या है जो हम दोनों टिफिन में खास कुछ बनाने का कह रहे हैं। गट्टू की बात होते ही चिंकी कल लंच ब्रेक में होने वाले टिफिन पार्टी के बारे में मम्मी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। तो क्या बना रही हो कल?
वो भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। गट्टू और चिंकी दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अब चलो अपने कमरे में सो जाओ। दूसरे दिन गट्टू चिंकी अपने आप ही सुबह जल्दी उठकर स्कूल की तैयारी करते हैं। दोनों काफी उत्सुक है कि मम्मी टिफिन में क्या दे रही है। दोनों किचन में जाते हैं तो उनके टिफिन ऑलरेडी पैक होते हैं, इसलिए सरप्राइज बाहर नहीं आता। स्कूल पहुंचते ही उनके सभी दोस्तों से मिले। बंटी, गुड्डी, हरी, राजू सभी दोस्त गट्टू चिंकी से पहले ही स्कूल पहुंच गए थे। लो, गट्टू चिंकी भी आ गए। लेट हो तुम दोनों, मुझे लगा आओगे भी या नहीं। ऐसे कैसे नहीं आते, आज तो लंच ब्रेक में मजे करने हैं, पार्टी है। गट्टू चिंकी और उनके सभी दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कब लंच ब्रेक होगा और कब वो इकट्ठा होकर मजे करेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। पहला पीरियड शुरू हुआ। गट्टू और बंटी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बंटी उनसे टिफिन में क्या लाया है वो बता रहा था कि तभी सर ने उन्हें पकड़ लिया। क्या गड़बड़ चल रही है वहाँ? गट्टू और बंटी खड़े हो जाओ। कुछ भी तो नहीं सर। तुम बताओ बंटी, क्या खुसुर फुसुर चल रही थी? कुछ नहीं सर, अब ये वो लंच ब्रेक। लगभग बंटी के मुंह से लंच ब्रेक निकल ही गया था। क्या क्या कहा? नहीं सर, कुछ नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। पढ़ाई पर ध्यान दो, बातें मत करो। गट्टू ने तुरंत संभाल लिया, नहीं तो पूरे क्लास को आज पता चल जाता कि गट्टू चिंकी और उनकी टीम ने लंच ब्रेक में क्या प्लान किया है। धीरे धीरे एक एक पीरियड होता गया। अब बस लंच ब्रेक से पहले होने वाला जियोग्राफी का पीरियड बाकी था। उसके खत्म होते ही लंच ब्रेक था। सबसे बोर सब्जेक्ट तो मुझे ये जियोग्राफी लगता है। मुझे भी, लंच ब्रेक से पहले होता है इसीलिए मैं सह पाता हूँ, वरना मैं तो सो जाता। सचमुच क्लास में सब बोर हो रहे थे। शायद सभी को भूख लगी थी। सभी लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। मैंने टिफिन में गरम गरम पराठे लाए थे यार, और ठंडे हो गए होंगे, और ये पीरियड है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हरी को तो इतनी भूख लगी थी कि वो जियोग्राफी, क्लासरूम सब कुछ भूल गया था और खाने की बातें करने लगा था। सब लंच ब्रेक की बहुत राह देख रहे थे। क्लास के सभी बच्चों के चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक लंच ब्रेक की घंटी बजी। लेकिन बच्चे इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन हरी जोर से चिल्लाया, गट्टू चिंकी लंच ब्रेक हो गया ये। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि अभी तक जियोग्राफी की टीचर क्लास में ही है। गट्टू चिंकी गैंग को लगा कि अब टीचर उन्हें डांटेंगी, लेकिन टीचर ने भी बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, एंजॉय करो बच्चों। बच्चे भी एंजॉय करने लगते हैं। घंटी बजते ही सब बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर ग्राउंड की तरफ दौड़ते हैं। गट्टू चिंकी, हरी, राजू, गुड्डी सब स्कूल के प्ले ग्राउंड में एक पेड़ के छांव में इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोगों ने अपनी पसंद की चीजें टिफिन में लाई थी। सब एक एक करके टिफिन में क्या क्या लाए हैं बताओ, ठीक है? जैसा चिंकी ने कहा ठीक वैसे ही सभी बच्चे करने लगे। वो अपने टिफिन में क्या क्या लाए हैं वो बता रहे थे। मैंने तो पराठे लाए हैं भाई। और तुमने बंटी? मैंने तो लाया है मसाला डोसा विद चीज। वाओ, सो यम्मी यम्मी। सबने अपने अपने टिफिन खोले। किसी ने छोले भटूरे लाए थे तो किसी ने मसाला राइस। सब तो अपना अपना टिफिन खोलकर बैठे थे। अभी भी गट्टू चिंकी का टिफिन बंद था, सरप्राइज बाहर नहीं आया था। अरे गट्टू चिंकी, तुमने क्या लाया है वो तो दिखाओ जरा। वो एक सरप्राइज है हमारे लिए भी। तो चलो जल्दी से टिफिन खोलो, देखो तो क्या है अंदर। गट्टू चिंकी अपना टिफिन खोलते हैं। उसमें एक खुशबूदार मसाला पनीर की सब्जी और गार्लिक नान थे, और साथ में ही थे मीठे मीठे गुलाब जामुन। वाह, गुलाब जामुन मेरे फेवरेट। मेरे भी फेवरेट, हमारे भी। ये तो बहुत बढ़िया सरप्राइज था गट्टू चिंकी। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। हरी के लाए हुए पराठे, पनीर की सब्जी और छोले भटूरे सब आपस में मिलजुल कर खा गए। खाना खाते वक्त हंसी मजाक मस्ती तो चल ही रही थी। अंत में सभी ने गुलाब जामुन खाया
और गट्टू चिंकी के सरप्राइज की, यानी कि गट्टू चिंकी की मम्मी की जम के तारीफ हुई। गट्टूज न्यू हेयर कट। हर किसी पे हर वक्त किसी ना किसी बात का भूत सवार रहता है। गट्टू पर भी बाल बढ़ाने का भूत सवार हो चुका था। गट्टू, बाल काफी बढ़ गए हैं, हेयर कट कर लो। बेटा, तुम्हें लंबे बाल सूट नहीं करते, हमें वही हेयर स्टाइल करनी चाहिए जो हमें सूट हो। गट्टू बेचारा नाराज हो गया, वो अपने बाल नहीं काटना चाहता था। गट्टू घर आया तो उसने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन चिंकी वो कहाँ चुप रहने वाली थी। घर आते ही उसने गट्टू की चुगली कर दी। पापा, मिश्रा सर ने गट्टू को बाल काट कर आने को कहा है कल। अरे मैं भी तो कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये माने तब ना। इसकी मम्मी भी बस इसकी ही साइड लेती है। नहीं, मिश्रा सर ने कहा है तो अब मैं गट्टू की साइड नहीं लूंगी। गट्टू, अब तुम्हें बाल काट ही लेने चाहिए। ये सुनकर गट्टू को रोना आ गया। नहीं मम्मी, आप देख रहे हो ना, मैं कितने दिनों से बाल बढ़ा रहा हूँ, फिर ऐसे अचानक कैसे काट दूँ। मुझे उस फिल्म के हीरो जैसे बाल रखने हैं, आपने देखा था ना, जब वो घोड़े पर बैठकर विलेन के पीछे भाग रहा था, तब उसके बाल कैसे हवा में लहरा रहे थे। बेटा वो फिल्म है, रील और रियल की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बड़े हुए बाल स्कूल और सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। हमें डिसेंट हेयर स्टाइल रखनी चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करे। मिश्रा सर भी यही कह रहे थे। और फिर पापा शाम को गट्टू को लेकर एक सैलून में आए। गट्टू का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने बालों को पकड़कर एक कोने में दुखी बैठा था। उसके लंबे बाल किसी भी समय उससे कटकर अलग होने वाले थे। तभी काफी बूढ़ा दिखने वाला बार्बर गट्टू के पास आकर बोला, चलो बेटा हेयर कट करना है ना। बार्बर को देखकर गट्टू और ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि इस बार्बर की उम्र काफी ज्यादा है, फिर वो गट्टू की फीलिंग्स को कैसे समझेगा। वो तो किसी पुरानी स्टाइल में उसके बाल काट देगा और फिर सब उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन वो बार्बर काफी कूल और स्मार्ट था। वाओ, तुम्हारे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा है, तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। लंबे बालों का फायदा ये है कि मैं उन्हें अच्छा सा शेप देकर अच्छा सा हेयर स्टाइल तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुम पर सूट भी करेगा और सबको इम्प्रेस भी करेगा। ये सुनकर गट्टू अंदर से काफी खुश हो गया। फिर बार्बर ने कैंची चलाई और गट्टू के बाल नीचे गिरने लगे, और देखते देखते एक बढ़िया सा हेयर कट गट्टू को मिल गया। अपना नया लुक मिरर में देखकर गट्टू बहुत खुश था। वाओ, ये हेयर कट तो उन लंबे बालों से भी अच्छा है। थैंक्स अंकल, मुझे लगा था आप मुझे कोई पुराना वाला हेयर कट दे दोगे, लेकिन आपने मुझे काफी यूनिक हेयर कट दिया है। इस हेयर कट का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है, और ना ही ये मैंने पहले कभी किसी पे ट्राई किया है। तुम पहले हो जिसको ये हेयर स्टाइल मिला है, तुम ही बताओ क्या नाम रखे इसका। ये हेयर कट देखकर मैं एकदम क्रेजी फील कर रहा हूँ, क्या हम इसका नाम क्रेजी कट रखे? वाओ, क्रेजी कट, आज ही मैं इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। गट्टू का हेयर कट पापा को भी बहुत पसंद आया। पापा बार्बर से बोले, कमाल कर दिया आपने, गट्टू तो हेयर कट करना ही नहीं चाहता था और अब देखो कितना खुश है। गट्टू, हर किसी के लिए एक ऐसी हेयर स्टाइल होती है जो बस उसे ही सूट करती है, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है, इसलिए किसी की कॉपी करने से अच्छा है जो हमें सूट करे हम वही करें। मम्मी ने गट्टू का हेयर कट देखा तो वो भी खुश हो गई। वाओ, तुम काफी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और चार्मिंग दिख रहे हो। मजा तो तब आया जब गट्टू अगले दिन अपनी क्लास में एंटर हुआ। गुड्डी, हरी, बंटी और पूरी क्लास बस गट्टू की तरफ ही देख रही थी। गट्टू को एकदम स्पेशल फील हो रहा था। वाओ गट्टू, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक्स यार। गट्टू, क्या नाम है इस कट का? क्रेजी कट। और गट्टू क्रेजी तो तब हुआ जब उसके क्रेजी कट की तारीफ खुद मिश्रा सर भी करने लगे। वाओ गट्टू, ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट कर रही है,
बाल अभी भी थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये तुम पर सूट हो रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू बहुत खुश हुआ। वो अपनी नई हेयर स्टाइल से काफी खुश था। लेकिन बेचारा बंटी गट्टू का हेयर स्टाइल और उसकी हो रही तारीफ देखकर अंदर से काफी बेचैन हो रहा था। दोपहर की छुट्टी में उसने गट्टू से पूछा, गट्टू मुझे तुम्हारे बार्बर का एड्रेस बताओ, मुझे भी सेम तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल करना है। बिल्कुल मत करो, मेरे बार्बर ने कहा है हमें वही स्टाइल रखना चाहिए जो हम पर सूट करे। मुझे लगता है मेरा ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करेगा, जो तुम पर सूट हो तुम वही ट्राई करो। अच्छा समझ गया, तुम चाहते हो कि बस तुम्हारी ही तारीफ हो। मैं तुम्हारे जैसा हेयर कट करूँगा तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए इतना ड्रामा कर रहे हो ना तुम। नहीं बंटी, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने बार्बर का एड्रेस दे देता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। और दूसरे दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बंटी भी गट्टू की तरह क्लास में क्रेजी कट करके एंटर हुआ। जैसे ही वो क्लास में आया सब उसकी तरफ ही देखते रहे और फिर एकदम से हंसने लगे, क्योंकि वो हेयर स्टाइल बंटी पर बिल्कुल फुलिश लग रहा था। बंटी ये क्या करके आ गया, ये तुम पर नहीं बस गट्टू पर ही सूट हो रहा है। मिश्रा सर ने भी बंटी का नया लुक पसंद नहीं किया। और फिर बंटी दोपहर की छुट्टी में गट्टू के पास आकर बोला, सॉरी यार गट्टू, तुम ठीक कह रहे थे, बार-बार भी मुझे समझा रहा था लेकिन मैं नहीं माना और मेरा जोक बन गया। अब समझे, हमें वही करना चाहिए जो हमारा हो, नकल करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं भी ये बात पहले नहीं समझ पा रहा था लेकिन मेरे बार्बर ने मुझे समझा दी, अब तुम भी समझ जाओ और शाम को जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक करके आओ। इस पर बंटी शर्मिंदा हो गया और उसने कभी गट्टू की नकल ना करने का ठान लिया। गट्टू चिंकी लर्निंग कंप्यूटर। स्कूल में बच्चों का मन लगा रहता है और इसका असली कारण है कि स्कूल बच्चों को उनकी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताना पसंद करते हैं। कई बार बच्चों की जरूरत स्कूल समझता है और उसी तरह से कई तरह के प्रोग्राम भी अरेंज करता है। स्कूल में टीचर इसी तरह के प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बता रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम हमारे स्कूल में प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं जिसमें तुम सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सर किस तरह का प्रोग्राम? तो बच्चों, हमारे स्कूल में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नहीं थे और काफी दिनों से टीचर्स का पूरा स्टाफ इस बारे में काम कर रहा था। अब हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर आएंगे, कल ही कंप्यूटर की सारी अरेंजमेंट हो जाएगी और सभी क्लास के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अरे वाह, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आएगा? वाह, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। कंप्यूटर में तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। मुझे भी सीखना है कंप्यूटर। वाह, कंप्यूटर तो हर स्कूल में होता है, अब हमारे स्कूल में भी आएगा। इस तरह से कंप्यूटर को लेकर सभी बच्चों में बातचीत शुरू हो गई और क्लास में बच्चों की आवाज भी बढ़ने लगी। बच्चों शांत हो जाओ, ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट होगा जिसकी नोटिस भी आज नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। टीचर क्लास से चले गए। गट्टू चिंकी हरी बंटी पिंकी और भूषण सभी कंप्यूटर को लेकर उछल कूद करने लगे। ये कंप्यूटर सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, ये हाँ कंप्यूटर सीखेंगे, हम कंप्यूटर सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे सर के इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगे। सभी स्टूडेंट्स हमारे नए बने कंप्यूटर लैब की तरफ बढ़ेंगे, सभी एक रो बनाओ। उसी तरह बच्चों ने एक लाइन बनाई और कंप्यूटर लैब की तरफ चलने लगे। एक बड़ा सा हॉल जिसमें एयर कंडीशनिंग की हवा चल रही थी और कई सारे कंप्यूटर टेबल पर रखे गए थे। एकदम नया हॉल देखकर बच्चों के चेहरे भी चमक उठे। वाव, कितना अच्छा बना है कंप्यूटर लैब। बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आप सभी के कंप्यूटर शुरू है, आप कंप्यूटर के बारे में जो भी जानते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करना, बाद में सभी को ट्रेनिंग देंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या है? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता है लेकिन कुछ बिगड़ गया तो?
मुझे तो लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर बिना सीखे चलाना कैसे पॉसिबल होगा? चलो पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो जब तक टीचर सिखाते नहीं तब तक बस देखते ही रहते हैं। कोई बात नहीं करेगा, जितना तुम कंप्यूटर को समझते हो उतना अप्लाई करने की कोशिश करो। गट्टू और चिंकी बड़े ही ध्यान से कंप्यूटर को देखने लगे। चिंकी ने पूरा कीबोर्ड ध्यान से देखा और कंप्यूटर को अब्सॉर्ब करने लगी। गट्टू ने भी कंप्यूटर को ध्यान से देखा और अपने आप गट्टू ने माउस हाथ में लिया। देखो चिंकी, इससे हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी होती है, इसे शायद माउस कहते हैं। चिंकी ने भी अपने हाथों में माउस लिया और यूज करने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस की वजह से एक एरो आया। ये देखो चिंकी, एरो आया। हाँ, इसी से हम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। चिंकी माउस को ऊपर नीचे कर एरो से खेलने लगी। अरे वाह, कंप्यूटर तो आसान होता है, मुझे जम गया। दूसरी ओर बंटी ने कंप्यूटर का बटन ही बंद कर दिया और कंप्यूटर बंद हो गया। अरे बाप रे, मुझसे तो कंप्यूटर बिगड़ गया। टीचर तेजी से बंटी की ओर बढ़े और देख कर हंसने लगे। बंटी, तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया, खराब नहीं हुआ है। लेकिन याद रहे, कंप्यूटर इस तरह से बंद नहीं करना, पहले शटडाउन किया जाता है। और फिर टीचर ने बंटी को कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करके दिया और बंटी को शटडाउन करना भी सिखाया। कंप्यूटर बंद हो गया और बंटी ने फिर से एक बार कंप्यूटर शुरू कर दिया। अच्छा सर, कंप्यूटर बंद करना तो सीख गए, लेकिन हमें चलाना भी सीखना है। सर, गट्टू ने मुझे इस माउस के बारे में बताया, जिस वजह से कंप्यूटर चलाने में आसानी हो रही है। वेरी गुड गट्टू, अब मैं तुम्हें कंप्यूटर की कुछ बेसिक फंक्शन सिखाता हूँ। टीचर ने चिंकी के कंप्यूटर पर ड्राइंग के लिए पेंट ओपन करके दिया। सभी बच्चे अपने कंप्यूटर में पेंट ओपन करेंगे। पहली बार जब कंप्यूटर सिखाया जाता है तो सबसे पहले माउस चलाने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। यस सर, माउस चलाया जाएगा तभी तो कंप्यूटर में कुछ कर पाएंगे। राइट, अब सभी अलग अलग शेप्स लेकर अच्छा सा चित्र बनाएंगे, टीचर ने कहा। उस तरह से बच्चों ने माउस की मदद से ड्राइंग बनानी शुरू की। चिंकी ने अच्छा सा घर ड्राइंग बनाया, राउंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप, लाइंस, इस तरह की शेप्स एडजस्ट करने में चिंकी का माउस पर हाथ साफ हो गया। बहुत जल्द चिंकी माउस को हैंडल करना सीख गई। देखो गट्टू, बन गया मेरा ड्राइंग, तुमने क्या बनाया? देखो चिंकी, माउस में अब अच्छी तरह से चला सकता हूँ। मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाया है जो समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। चिंकी के साथ साथ टीचर और बाकी बच्चे भी हंसने लगे। गट्टू, अच्छे से बनाओगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। इस तरह से गट्टू चिंकी ने करीब से कंप्यूटर को हैंडल करना सीखा। गट्टू ने और समय देकर माउस चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की। जैसा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम 8 दिन चलेगा, तो कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है? सर, हमें और प्रैक्टिस करनी है। ऐसी बात है, तो तुम कल जल्दी आकर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह से आज का कंप्यूटर के साथ समय भी खत्म हो गया। गट्टू चिंकी घर पहुँचे। आते ही गट्टू चिंकी मम्मी को आवाज देते हुए शोर करने लगे। मम्मी, मम्मी, मम्मी। पापा घर पर ही थे। पापा बोले, गट्टू चिंकी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? पापा दिखते ही गट्टू ने पापा से उनका लैपटॉप मांगा। पापा, मुझे आपका लैपटॉप दीजिए ना। लैपटॉप? लैपटॉप क्यों चाहिए तुम्हें? आज हमने कंप्यूटर सीखा। क्या बात है गट्टू, स्कूल में कंप्यूटर चलाना सीख गए? अभी नहीं पापा, लेकिन मुझे माउस चलाने की प्रैक्टिस करनी है, प्लीज दीजिए ना आपका लैपटॉप। मम्मी पापा और गट्टू की बात सुनकर उनके पास आते हुए बोली, गट्टू बेटा, कंप्यूटर लर्निंग प्रैक्टिस से ही अच्छी तरह सीख पाओगे, लेकिन कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना ठीक होगा। लैपटॉप में पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी तो होते हैं ना? ओह मम्मी, पापा अपना पूरा काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही करते हैं ना? हाँ चिंकी, इसीलिए तुम दोनों भी स्कूल कंप्यूटर पर ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ गट्टू चिंकी, अगर तुम अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाना सीख जाते हो तो हम घर पर ही एक कंप्यूटर लेंगे, क्यों, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच मम्मी पापा? यो हो हो, तो फिर हम जल्द से जल्द अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे, ताकि घर पर भी कंप्यूटर आए। इस तरह से गट्टू और चिंकी ने स्कूल के कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 9 दिन कंप्यूटर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की और मन लगा कर कंप्यूटर भी सीख गए।
गट्टू चिंकी के गुड हैबिट्स। हम सब जानते हैं कि बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। अच्छी और बुरी आदतें बच्चे देख कर सीख जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों में फर्क करना सीखना जरूरी हो जाता है। आज स्कूल में गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है। सभी बच्चे आने वाले सर का इंतजार कर रहे थे, तभी वे क्लास में दाखिल हुए। वह सर काफी यंग थे और उनके हाथ में कुछ किताबें और एक बड़ा सा टैब था। उन्हें देखकर बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं सभी से गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सभी मुझे अपनी अच्छी आदत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तुम, सर ने बंटी की ओर हाथ करते हुए कहा। अचानक बंटी को बोलने के लिए कहा गया और बंटी हिचकिचाकर बोलने लगा, मेरी अच्छी आदत है कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। बंटी के जवाब पर क्लास हंस पड़ा। अच्छा नेक्स्ट। पापा मम्मी कहते हैं कि स्कूल का होमवर्क पूरा करना मेरी अच्छी आदत है। सर, गट्टू की एक और अच्छी आदत मैं बताऊं? हाँ जरूर बताओ। सर, गट्टू की अच्छी आदत यह है कि वो मुझे हमेशा होमवर्क में मदद करता है और कई बार गट्टू मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देता है। हाँ सर, मैंने कई बार चिंकी का होमवर्क कंप्लीट किया है। देखो बच्चों, तुम सभी ने अपनी अपनी अच्छी आदतें मुझे बताई, अब यही देख लो गट्टू अपने साथ साथ चिंकी का भी होमवर्क पूरा करता है। जिसे गट्टू अच्छी आदत कह रहा है, ये गट्टू के लिए अच्छी आदत होगी भी, लेकिन ये चिंकी के लिए अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक बुरी आदत कहलाएगी। सभी सर की बात को ध्यान से सुनने लगे। अपना काम हमें खुद करना चाहिए। चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। बचपन में मैं और मेरा भाई, हम दोनों को चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। लेकिन सर, चॉकलेट खाना तो अच्छी आदत होती है ना? हाँ बेटा, लेकिन हम आए हुए मेहमानों से चॉकलेट खाने की जिद पकड़ लेते। फिर पापा ने हमसे कहा कि अगर हमें चॉकलेट चाहिए तो हम गार्डन में जाकर सबसे पहले पौधों को पानी डाले, उसके बाद ही हमें चॉकलेट मिलेगा। और उस वक्त हमारा घर सातवीं मंजिल पर था। हम चॉकलेट के लिए सातवीं मंजिल से नीचे आते, पौधे को पानी डालते और चॉकलेट खाते। बच्चे सर की बात को गौर से सुन रहे थे। इस तरह से हमें रोज रोज चॉकलेट मिलने पर हम चॉकलेट खाने से बोर हो गए और बाद में हमने चॉकलेट खाना भी बंद कर दिया, लेकिन हमें पौधों को पानी डालने की आदत लग गई और हम आज तक हमारे गार्डन के पौधों को पानी डालते आए हैं। इसी तरह से हमें अच्छी आदत लग गई। सर की बात सभी बच्चे इतने ध्यान से सुन रहे थे कि सभी बच्चों ने सर के लिए तालियां बजाई। गेस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे के गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स को लेकर डिस्कशन करने लगे। दादी हमेशा कहती है कि हमें अच्छी आदत हो तो हम जिंदगी में कामयाब बनते हैं। हाँ, अब सर की तरह मैं भी रोज पौधे को पानी डालूंगा, उसके बाद ही चॉकलेट खाऊंगा। इस तरह से मुझे अच्छी आदत भी लग जाएगी, लेकिन मैं चॉकलेट खाना नहीं छोड़ूंगा। बंटी के इस बात पर सभी हंस पड़े। हाँ, हमें हमेशा अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए, मम्मी पापा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सही कहा। अगले दिन सुबह गट्टू और चिंकी मम्मी के उठने से पहले ही जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठ गए और धरती को वंदन करने लगे। कराग्रेवस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। गट्टू और चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी किचन से बाहर आई। अरे वाह गट्टू चिंकी, तुम जल्दी उठ गए और तुम दोनों ने मिलकर प्रार्थना भी की, क्या बात है। गट्टू और चिंकी बेड से उतरकर सीधे मम्मी को जाकर गले लग गए। मम्मी गट्टू और चिंकी पर खुश हो गई। गट्टू और चिंकी नहा धोकर एकदम तैयार हो गए। आज गट्टू और चिंकी के पीछे मम्मी को नहीं लगना पड़ा। बिना कहे गट्टू और चिंकी जल्दी तैयार हो गए। गट्टू और चिंकी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, तभी मम्मी ने गट्टू और चिंकी को दूध का गिलास थमाया। गट्टू चिंकी, हर रोज की तरह दूध पीने में नाटक नहीं करना, तुम दोनों अच्छे बच्चे की तरह दूध खत्म करो जल्दी। जी मम्मी, अभी खत्म करते हैं। देखते ही देखते गट्टू और चिंकी दोनों ने अपना दूध का गिलास खत्म किया। मम्मी और पापा देखकर हैरान हो गए। क्या बात है गट्टू चिंकी, है? तुम दोनों तो अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं आज तुम दोनों पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू पापा,
बड़ों की बात सुनना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। अब हम रोज बिना रट लगाए दूध खत्म करेंगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी। अरे बेटा, हर रोज तो तुम 10 मिनट बाद निकलते हो। हाँ मम्मी, लेकिन स्कूल में हमें समय से पहले पहुँचना जरूरी है, ये एक अच्छी आदत है जिस वजह से हम स्कूल में लेट नहीं होंगे। देखा जी आपने, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। गट्टू चिंकी पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए। शाम को गट्टू चिंकी घर लौटे, दोनों ने अपना स्कूल बैग, अपने जूते सही तरीके से जगह पर रख दिए और अपना यूनिफॉर्म चेंज करके दोनों नीचे खेलने चले गए। इसी तरह गट्टू और चिंकी हर रोज जल्दी उठते, अपना दूध खत्म करते और फिर स्कूल में अच्छी तरह से पढ़कर शाम को लौटने पर खेलने चले जाते। चिंकी, आज स्कूल जाने में बहुत वक्त है, तो चलो हम टीवी देखते हैं। यस गट्टू, काफी देर है और टीवी पर नया कार्टून शो भी आया है, चलो देखते हैं। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर स्कूल का समय होने पर पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए। मम्मी गट्टू और चिंकी को नोटिस कर रही थी कि हर रोज गट्टू चिंकी बहुत जल्दी उठ जाते, उठते ही टीवी के सामने बैठ जाते, स्कूल का समय होने पर स्कूल के लिए निकल जाते। आज फिर गट्टू और चिंकी स्कूल से पहले टीवी के सामने बैठ गए तो मम्मी ने कहा, गट्टू चिंकी, यूँ सुबह सुबह टीवी के सामने बैठकर अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो बच्चों? क्या मम्मी, आप भी, हम तो कितना जल्दी उठ जाते हैं और फिर स्कूल के लिए जाने में वक्त होता है, इसीलिए हम टीवी देखते हैं, इससे हमारी आदत थोड़ी बिगड़ी है। हाँ मम्मी, बचे हुए समय में ही तो हम टीवी देख रहे हैं। बेटा, आदत उस व्यवहार का नाम है जो हर रोज करने पर उसकी आदत पड़ जाती है और वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। क्या मतलब मम्मी? बेटा, अगर तुम जल्दी उठकर यूँ टीवी के सामने बैठ जाओगे तो तुम्हें इस बात की आदत लग जाएगी और तुम टीवी देखे बिना स्कूल जा ही नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा तुम स्कूल की कुछ किताबें ही पढ़ो, जिससे तुम्हें सुबह सुबह पढ़ने की आदत लगेगी। अरे हाँ मम्मी, स्कूल में टीचर जब सिखाते हैं तब दिमाग में कार्टून शो ही चलता रहता है। चिंकी तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ गई। गट्टू, तुम समझ रहे हो क्या? समझ गया मम्मी, हमें सुबह के समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जल्दी उठने की अच्छी आदत तो लग गई, लेकिन सुबह सुबह टीवी देखने की बुरी आदत भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है मम्मी, अभी से हम इस आदत को कंटिन्यू नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मम्मी। अरे बेटा, अपनी मम्मी को थैंक यू थोड़ी कहते हैं। मम्मी, टीचर ने सिखाया है कोई हमारी मदद करे तो थैंक यू बोलना अच्छी आदत होती है। इस बात पर मम्मी हंस पड़ी। अच्छी आदतें इंसान को सफल बनाती हैं और बुरी आदतें असफल बनाने में मदद करती हैं। ट्री प्लांटेशन। पर्यावरण के बारे में गट्टू और चिंकी पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, इसलिए आज गट्टू और चिंकी के कहने पर सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बच्चे एक एक पौधा अपनी सोसाइटी गार्डन में लगा रहे हैं। मम्मी पापा, हम आम का पेड़ लगाएंगे। मम्मी, हम अमरूद का पेड़ भी लगाएंगे। हाँ हाँ गट्टू चिंकी, आम का भी लगाएंगे और अमरूद का भी लगाएंगे, ठीक है? तभी वहाँ पर बंटी आया। गट्टू, मैं तो फूलों का पेड़ लगाऊंगा, मुझे फूल बहुत पसंद है। गुड आइडिया बंटी, सोसाइटी खूबसूरत दिखेगी। मैंने भी फूल का पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने आम का पेड़ लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें अपना आम का पेड़ लगाया। चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर गट्टू ने उस पर पानी छिड़का और इस तरह से आम का बीज बोया गया। देखो, मेरा आम का पेड़ लग गया, अब बस ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। गट्टू बेटा, पेड़ पर फल लगने को काफी समय लग जाते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ही फल मिलेंगे, अरे इंतजार करना होगा। चलो ना, अब मेरा अमरूद का पेड़ लगाते हैं, मैं अपना पौधा कहाँ लगाऊं? आओ चिंकी, अपना पौधा यहाँ लगाओ। गट्टू और चिंकी ने मिलकर चिंकी का अमरूद का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बनाया और उसी तरह से गड्ढे में पौधा लगाया और ऊपर से मिट्टी डालकर चिंकी ने पानी छिड़का और इस तरह से सभी बच्चों ने मिलकर सोसाइटी गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया। सभी बच्चों के मम्मी पापा घर चले गए। बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हें पता है, पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पेड़ से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा, फिर तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी, तुम्हें पता है, फूलों के पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं। अरे वाह,
ये तो अच्छी बात है, मेरा अमरूद का पेड़ भी जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा ताकि मैं खट्टे मीठे अमरूद खा सकूं। हाँ, मेरा आम का पेड़ भी बहुत जल्द बड़ा होगा। मैं इसे कई बार पानी डालूंगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बड़ा हो जाए। देखो, मैंने फूलों का पेड़ लगाया है, मैं अपने फूल तुम सब में बांटूंगा, लेकिन मुझे मीठे मीठे और खट्टे मीठे फल भी देना। हाँ हाँ बंटी, क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डालना, तभी मैं तुम्हें अपने फल दूंगा। सभी हंस पड़े। चिंकी अपने लाए पौधे की ओर जाकर बात करने लगी। मेरा प्यारा पौधा, जल्दी से बड़े हो जाओ, मुझे बड़ा पेड़ देखना है और खट्टे मीठे फल खाने हैं। गट्टू चिंकी घर चले गए और डिनर करने के बाद दोनों सोने चले गए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, कहीं पेड़ उग तो नहीं आया ना। अरे गट्टू नहीं, पापा ने कहा था पेड़ इतने जल्दी नहीं उगते। गट्टू चिंकी सो गए। अगले दिन चिंकी जल्दी उठ गई। चिंकी अपना पौधा देखने सोसाइटी गार्डन में पहुंची। चिंकी देखकर हैरान हो गई। चिंकी का पेड़ बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड़ पर लटक रहे थे। हाँ, इतना बड़ा पेड़, लेकिन पापा ने तो कहा था पेड़ इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। तभी चिंकी ने आवाज सुनी। चिंकी, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें अब मेरा और भी ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, मैं पानी लेकर आती हूँ। चिंकी दौड़ कर गई और पानी का झारा लेकर आई, लेकिन ये क्या, चिंकी के अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे बंदर चढ़ गए और उछल उछल कर चिंकी के अमरूद खाने लगे। अरे नहीं, ये क्या, बंदर कहाँ से आ गए। चिंकी रोने लगी और देखते ही देखते बंदरों ने पूरा पेड़ सफाचट कर दिया और ताजे ताजे फल खा लिए। पेड़ चिंकी से कहने लगा, चिंकी देखो, तुम्हारे सारे फल बंदर खा गए। लेकिन फल तो मुझे खाने थे, मुझे एक भी नहीं मिला। फिर चिंकी और रोने लगी, मम्मी मम्मी मुझे फल चाहिए। उठो बेटा चिंकी, क्या हुआ, उठ जाओ बेटा। मम्मी चिंकी को हिला हिला कर उठाने लगी। चिंकी ने अपनी आंखें खोली। अरे नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। तभी चिंकी मम्मी को बिलक गई। क्या हुआ चिंकी बेटा, किस तरह का सपना देखा। मम्मी, मैंने सपने में देखा कि बंदर मेरे सारे फल सफाचट कर गए और मुझे एक भी नहीं मिला। तभी पापा भी कमरे में आए। क्या हुआ चिंकी को। मम्मी ने पूरी बात पापा को बताई। चिंकी ने सपना देखा कि उसके सारे अमरूद बंदर खा गए हैं। बस इतना ही, चलो नाश्ता करते आओ। गट्टू चिंकी ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आकर बैठे। पापा देख रहे थे कि चिंकी का चेहरा उतरा हुआ था। बेटा चिंकी, मैंने तुमसे क्या कहा था, पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते, और अगर तुम्हारे लगाए पेड़ से बंदरों ने खा लिया तो इसमें क्या हुआ, पेड़ तो दूसरों के लिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन पापा, ट्री प्लांटेशन सोसाइटी में हमने की, या पानी हमने डाला, तो फिर फल कोई और खा जाए तो बुरा ही लगेगा ना। तभी मम्मी, दादी ने गांव से भेजा हुआ आम का अचार लेकर आई। मम्मी ने गट्टू चिंकी और पापा को अचार के साथ गर्मा गर्म रोटी दी। पापा, गट्टू और चिंकी ने चटकदार आम का अचार खाया और चिंकी का मूड भी चटकदार हो गया। वाह मम्मी, अचार तो काफी चटपटा है। आम का अचार तो काफी टेस्टी है, दादी को कहना और लेकर आए। हाँ हाँ बच्चों, मैं दादी से जरूर कहूँगी। अच्छा गट्टू चिंकी, मुझे ये बताओ अचार किससे बना है। पापा, अचार तो आम से ही बना है ना। तो चिंकी मुझे ये बताओ, इस अचार के लिए जो आम इस्तेमाल हुए हैं, क्या तुमने इस आम का पेड़ लगाया है या तुमने उन पेड़ों को पानी डाला था। नहीं पापा, मुझे तो पता भी नहीं कि इन आमों के पेड़ कहाँ लगे हैं, तो मैं पानी कैसे डालूंगी। नहीं समझ रही हो बेटा, उसी तरह से अगर तुम्हारे लगाए पेड़ों के फल कोई और खाए तो इसमें तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है, हम गांव गए थे तब हमारे घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ थे जिन्हें उगने में कई साल लग जाते हैं, और कई सालों पहले वो पेड़ लगाया गया, तभी तो हम उस रसीले और ताजे ताजे फलों का स्वाद ले पाते हैं। गट्टू चिंकी मन लगाकर पापा की बात सुन रहे थे। आगे मम्मी बोली, इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए तभी तो हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और हरियाली का जीवन जीना हो तो हमें आज पेड़ों की आबादी बढ़ानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में वातावरण का तापमान सही तरह से बना रहे।
हाँ मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इतना ही नहीं, सोसाइटी गार्डन के पेड़ भी कई सालों से लगाए गए होंगे, तभी तो हम वहाँ झूला बांधकर झूला झूल सकते हैं और हमें ठंडी ठंडी छांव भी तो मिलती है। सही कहा गट्टू। चलो गट्टू तो समझ गया, लेकिन चिंकी तुम समझी या नहीं? बिल्कुल समझ गई पापा। गेटिंग फोटो क्लिक इन स्टूडियो। आज गट्टू चिंकी कुछ नया करने वाले हैं। गट्टू और चिंकी दोनों भी आईने के सामने चिपक कर खड़े थे। गट्टू ने चिंकी को धक्का मारा। ओहो गट्टू, मुझे लग गया। रुक जाओ थोड़ा, मुझे भी तो तैयार होना है। क्या चिंकी, तुम कब से आईने के सामने खड़ी हो? मुझे थोड़ा भी देखने नहीं दे रही। मेरे बाल तो ठीक है ना? गट्टू और चिंकी की नोक झोंक वाली आवाज सुनकर मम्मी कमरे में आई। गट्टू चिंकी, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मम्मी, मैं फ्रॉक पहनूं या पंजाबी ड्रेस? ओढ़नी वाला ड्रेस फोटो में ज्यादा अच्छा दिखेगा ना? मम्मी, मैं नीली जीन्स पहनूं या काली जीन्स? बताओ ना मम्मी। तभी पापा तैयार होकर कमरे में आए। गट्टू चिंकी, मम्मी तैयार हुई या नहीं? चलो हमें फोटो स्टूडियो चलना है। हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो और एक साथ अच्छे फोटो खिंचवाएंगे। यस पापा, हम तैयार है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी मम्मी पापा के साथ फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए और उछलते कूदते ही वो फोटो स्टूडियो पहुँचे। हेलो सर, बताइए आपको किस तरह के फोटो खिंचवाने हैं? गट्टू और चिंकी फोटो स्टूडियो में लगे अलग अलग तरह के फोटो देखकर हैरान हो गए। कई तरह के छोटे बड़े फ्रेम लगे थे जिसमें अलग अलग तरह के पोज लेकर मॉडल खड़े थे। गट्टू देखो ना, कितने सुंदर पोस्टर लगे हैं। मुझे भी ऐसी फोटो खिंचवानी है। मैं भी स्टाइलिश फोटो क्लिक करवाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी दिखाऊंगा। गट्टू चिंकी शांत रहो बेटा। जी हमें सभी के पासपोर्ट साइज फोटो और फिर एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। ओके ओके, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको अंदर बुलाता हूँ। गट्टू चिंकी मम्मी पापा वेटिंग रूम में वेट करने बैठ गए। गट्टू खड़ा हो गया और एकदम स्टाइलिश अंदाज में चिंकी से कहने लगा। चिंकी बताओ, ये पोज कैसा लग रहा है? मैं ऐसा ही फोटो लूंगा। चिंकी ने भी अपने आप को फिर से एक बार स्टूडियो में लगे आईने में देखा। गट्टू ऐसा फोटो नहीं खींचा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो में केवल तुम्हारा चेहरा दिखेगा और इस तरह की पोज किसी काम का नहीं। चलो बैठ जाओ यहाँ आकर। गट्टू ने अपना मुंह बना लिया और वो पापा के बगल में जाकर बैठ गया। गट्टू और चिंकी अपना फोटो खिंचवाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि दोनों बैठे बैठे भी अलग अलग तरह के पोजेस बनाने लगे। चिंकी उठ खड़ी हुई और उसने स्टूडियो रूम के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। ओहो, कितना समय लग रहा है, पसीने से मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा और मेरा फोटो अच्छा नहीं आएगा। चिंकी बेटा सब्र करो, वो हमें बुलाएंगे, यहाँ आकर बैठ जाओ। फोटोग्राफर बाहर आया और उसने पापा को स्टूडियो रूम के अंदर बुलाया। अच्छा तो सबसे पहले हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो खींच लेंगे, उसके बाद एक फैमिली फोटो होगा, तो सबसे पहले कौन खिंचवाएगा? गट्टू चिंकी हड़बड़ करने लगे। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चिंकी मुझे जाना है सबसे पहले। मम्मी कहो ना गट्टू से मुझे जाने दो। चिंकी पहले गट्टू जाएगा, उसके बाद तुम चली जाना। यस। आखिरकार गट्टू को मौका मिल ही गया। गट्टू हरे पर्दे के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर उसने पर्दे को देखते हुए कहा, अरे नहीं, क्या हम ये पर्दा बदल सकते हैं? मुझे लाल रंग का पर्दा चाहिए। नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए हरा पर्दा ही ठीक होता है। गट्टू उन्हें उनका काम करने दो। ठीक है, तो सीधे खड़े हो जाओ। गट्टू ने फोटोग्राफर की बात तो सुनी, लेकिन वो पूरे स्टाइल के साथ अपना हाथ अपने पॉकेट में डालकर स्टाइल में खड़ा हो गया, जो देखकर पापा ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। गट्टू बेटा सीधे खड़े रहो, पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, एकदम सीधे खड़े रहो, बस सामने देखो और अपने पलके नहीं झपकाना। फोटोग्राफर ने गट्टू का एक फोटो खींचा, लेकिन गट्टू ने अपनी पलके झपकाई और फोटो ठीक से नहीं आया। मुझे फिर से खींचना होगा, बस अपने पलके नहीं झपकाना। इस बार भी गट्टू ने अपनी पलके झपकाई। फोटोग्राफर के कई कोशिशों के बाद आखिरकार गट्टू का पासपोर्ट साइज फोटो निकला। फोटोग्राफर ने लंबी सांस छोड़ी। गट्टू के बाद चिंकी कैमरे के सामने खड़ी हो गई। चिंकी एकदम सीधे सीधे खड़ी हो गई, जो देखकर फोटोग्राफर ने चिंकी से कहा, थोड़ी सी स्माइल करो बेटा। और क्या,
चिंकी ने हल्की सी स्माइल दी और चिंकी का सबसे प्यारा फोटो खींच लिया गया। चिंकी के बाद मम्मी पापा का पासपोर्ट साइज फोटो निकाला गया। आप सभी के पासपोर्ट साइज फोटो देख लीजिए, उसके बाद प्रिंट लूंगा। पापा के साथ साथ फोटोग्राफर ने गट्टू चिंकी और मम्मी को भी अपने अपने फोटोग्राफ दिखाए। मुझे मेरा फोटो ठीक नहीं लगा, और एक बार फोटो लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया है, अब हम एक फैमिली फोटो लेंगे। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी, मम्मी और पापा कैमरे के सामने खड़े हो गए। फोटोग्राफर अंकल, अब तो पर्दा बदल लो ना प्लीज। गट्टू के कहने पर फोटोग्राफर ने हरे पर्दे से लाल पर्दा नीचे किया और सबको पोजीशन में खड़े रहने के लिए कह दिया। बीच में मम्मी पापा और दाएं बाएं गट्टू और चिंकी खड़े हो गए। से चीज। फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक किया और एक स्माइल के साथ परफेक्ट फैमिली फोटो खिंचा गया। मम्मी पापा प्लीज, मुझे अपनी फोटो खिंचवानी है पूरे स्टाइल में, प्लीज एक फोटो खिंचवाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है गट्टू, अच्छी पोज में फोटो निकालो और चिंकी तुम भी फोटो खिंचवाओ। ये गट्टू और चिंकी ने वेटिंग रूम में लगे पोस्टर ध्यान से देखे और गट्टू ने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिया और कैमरा के सामने खड़ा हो गया। गट्टू ने अपने हाथ पॉकेट में डाले, एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए एक प्यारी सी स्माइल कैमरे को दी। फोटोग्राफर ने गट्टू की फोटो खींची। वाह गट्टू, क्या सही पोज दिया है, मैं भी इसी तरह से खिंचवाती हूँ। अरे नहीं चिंकी, तुम अलग पोज दो। चिंकी नाक फुफकारते हुए कैमरे के सामने खड़ी हो गई। फूला हुआ मुंह लेकर फोटोग्राफर तो फोटो निकालने ही नहीं वाला था। चिंकी बेटा, तुम्हें फोटो नहीं निकालना है क्या, स्माइल करो, पोज दो। लेकिन फिर भी चिंकी बिल्कुल नहीं हंसी और पोज भी नहीं दिया। और अब गट्टू कैमरे के पीछे से चिंकी को देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा, अपने हाथों से चिंकी को चिढ़ाने लगा। इस तरह से जोकर की तरह हरकत देखकर चिंकी की हंसी छूटी और फोटोग्राफर ने उसी तरह से चिंकी का फोटो खींच लिया और चिंकी की बड़ी ही प्यारी फोटो फोटोग्राफर को मिली। वेरी नाइस फोटो। देखा अंकल, आपको चीज कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं। दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी मम्मी, किधर है आप? मम्मी, हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी मम्मी, जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी मैं क्लास में थर्ड आई। और मैं फर्स्ट। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे? इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी मुझे फर्स्ट आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप फर्स्ट आ जाना। नहीं, मैं तब भी फर्स्ट आऊँगा। हाँ हाँ चलो, अब आपस में लड़ाई करना बंद करो। मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है, फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाओ, मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कंपटीशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी, लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है, इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे, मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब, आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे, मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है
वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है, सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाव, कितना मजा आएगा, ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी, फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी, पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है, बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है, इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है, कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी, चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी, कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिंकी गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो, एक पिज्जा में आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ। दोनों फटाफट अपने लास्ट स्लाइस खा लेते हैं। चलो अब रसोई में चलते हैं एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले, अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों। मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी, मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूँ इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा, दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू, मजा आ गया। मैं चीज को कस दूँ मम्मी? नहीं बेटा, आप छोटे हो, हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कस कर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कस कर दे देती है, दोनों मिलकर पिज्जा पर बुरक कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी? अरे हाथ जल जाएगा बेटा। वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो, प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू, मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा, तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा, चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाव, कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ, मजा आ गया। चलो आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए, उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी, अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है, चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। गट्टू चिंकी और फिशिंग। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह
दोनों हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। पापा उनके पीछे बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और मम्मी किचन में काम कर रही होती है। तभी दरवाजे पर से आवाज आती है, मच्छी ले लो मच्छी, एकदम ताजा ताजा मच्छी। मच्छी कैसी ताजा होती है, वो कोई फल थोड़ी है। अरे बेटा, एकदम पॉन्ड से ताजा पकड़ कर लाए होंगे अंकल। आप सभी बातें क्या कर रहे हो, जाओ मच्छी खरीद लो। पापा दरवाजा खोलते हैं और गट्टू चिंकी भी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वाओ, इनकी टोकरी में इतनी सारी फिश है। हाँ देखो ना चिंकी, इतने सारे कलर की अलग अलग फिश, ये पकड़ कर लाए कैसे। बेटा वो फिशरमैन है, गांव से फिशिंग करके आई, उनके पास सब तरह की फिश है, देखो। इनको पकड़ते कैसे है, ये कैसे सहेज कर रखते हैं। इसके अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। पता है मेरा मन कर रहा है अभी फिश को पका कर खा जाऊं। लेकिन मुझे फिशिंग करनी आती ही नहीं। अरे बाबा, इनको पकड़कर सीधे पानी के टैंक में रखा जाता है, साथ ही फ्रेश वाटर वाली को फ्रेश वाटर में, पॉन्ड वाली को पॉन्ड वाटर में, और खारे पानी वाले को खारे पानी में ही रखा जाता है। उसके बाद इनको टोकरी में भरकर अलग अलग जगह बेचने निकला जाता है। खारे पानी से क्या मतलब है पापा। अरे समुद्री पानी बेटा, उसमें नमक होता है ना, इसलिए उसको खारा पानी कहते हैं। अच्छा पापा, फिशिंग कैसे करते हैं, मुझे भी देखना है। ठीक है, आप सभी इस रविवार को तैयार रहना, हम फिशिंग करने के लिए जाएंगे। आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन हाँ, हम पास के गांव में एक बड़ा तालाब है, वहाँ पर फिशिंग करेंगे। मैं उसके लिए नेट ले आऊंगा और कांटा भी। क्या हम ही पका कर खाएंगे फिश को। हाँ एकदम फ्रेश नेचुरल तरीके से। रविवार के दिन सभी लोग तैयार होकर सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। गट्टू और चिंकी आपस में लड़ने लगते हैं। मैं पापा के साथ आगे की सीट पर बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगी। अरे लड़ो मत आपस में, आधे रास्ते गट्टू और आधे रास्ते चिंकी आगे की सीट पर बैठेंगी। अभी ठीक है, अभी चिंकी आप आगे की सीट पर बैठ जाओ। ये, आई एम सो हैप्पी। गट्टू पीछे बैठ जाता है। बहुत ही सुंदर रास्ते से होते हुए सभी लोग एक तालाब के किनारे पहुँच जाते हैं। अरे कितनी सुंदर जगह है पापा, इतना बड़ा तालाब, यहाँ ना जाने कितनी मछलियाँ होंगी। हाँ हाँ बहुत सारी, ये जगह फिशिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। पहले मैं आप सबके लिए टेंट भी सेट कर देता हूँ, आओ आपको टेंट लगाना सिखा दूँ। पापा गाड़ी की डिक्की से टेंट, फिशिंग की जाली और डंडा निकालते हैं। मम्मी खाने पीने के सामान की टोकरी नीचे उतार देती है। गट्टू ये देखो, ये ऐसे लगाते हैं टेंट, इसको समझ लो। आप लोग फिशिंग करो, तब तक मैं बारबेक्यू लगा देती हूँ, उसमें मछली सेकेंगे पकड़ने के बाद। वाह मम्मी। थोड़ी देर में टेंट को सेट करने के बाद पापा मछली पकड़ने वाला नेट खोल देते हैं और सब लोग तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। गट्टू ये लो तुम पकड़ो ये नेट, और थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना, हिलना मत। हिलना क्यों नहीं पापा। अरे उससे मछलियों को पता चल जाता है कि ये उनको पकड़ने के लिए धागा है, वरना वो कांटे को पकड़ लेती है। चिंकी तुम भी जब गट्टू का हाथ दुख जाए तो ये नेट पकड़ लेना। ओ अच्छा। और हाँ, जैसे ही थोड़ा भारी लगे ये नेट, इसकी डोरी को समेटना शुरू कर देना। ओके पापा। चिंकी पास में बैठी होती है। आधे घंटे से ज्यादा बीत जाता है, गट्टू थक हार कर उबासिया लेने लगता है। गट्टू अगर तुम थक गए हो तो मैं पकड़ लेती हूँ नेट को, तुम तब तक रेस्ट कर लो। ठीक है चिंकी, लेकिन 10 मिनट बाद मैं वापस ले लूंगा। क्या पापा इतनी देर लगती है इसमें तो। हाँ बेटा, फिशिंग में तो टाइम लग जाता है, जब तक फिश कांटे में ना फंसे तब तक तो धीरज रखना ही होगा। चिंकी डंडे को पकड़ कर बैठ जाती है, तभी उसको थोड़ी सी हलचल लगती है, लगता है जैसे डंडा भारी हो गया हो। पापा मुझे अंदर खींच रही है, तो इतनी बड़ी फिश है। पापा तुरंत दौड़ कर आते हैं और डोरी खींचने लगते हैं, जिससे डोरी ऊपर आने लगती है। धीरे धीरे उसमें फंसी मछली भी दिखाई देने लगती है और गट्टू चिंकी खुशी के मारे उछलने लगते हैं। पकड़ ली, हमने फिश पकड़ ली। मैंने पकड़ी गट्टू, तुमने नहीं। तो क्या हुआ, इतनी देर तो मैं पकड़ कर बैठा था। अरे अरे तुम दोनों लड़ो मत, और मछली पकड़ लेना, ये आखिरी थोड़ी है। तभी चिंकी की नजर मछली पर जाती है, वो तड़प रही होती है। अरे मम्मी ये कितनी तड़प रही है। हाँ बेटा, क्योंकि ये पानी से बाहर आ गई है, याद है ना पोयम। हाँ मम्मी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी,
बाहर निकालो मर जाएगी। चलो गट्टू तुम मेरे साथ आओ, हम इसको फ्राई कर लेते हैं, तब तक चिंकी और पापा और फिश पकड़ लेंगे। मम्मी फिश के पंख साफ करके उसको तवा पर सेकने लगती है। उधर चिंकी खुशी के मारे तालियां बजाती है। वाह मम्मी इतनी फ्रेश फिश, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा आज सच में मजा आ जाएगा। अरे बाबा बड़ी मछली आ गई, तो क्या ये डोरी टूट नहीं जाएगी? नहीं चिंकी, हम दोनों मिलकर उसको फटाफट ऊपर खींच लेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है, जैसे ही फिश आए तो मुझे बता देना। गट्टू डोरी को पानी में डालकर चुपचाप बैठा होता है। तभी पापा को लगता है कि ऐसे तो दोनों थक जाएंगे। अरे गट्टू मुझे तो मैं करता हूँ, तुम थक जाओगे। नहीं पापा आज हम दोनों को फिशिंग करने दो। तभी अचानक थोड़ी सी हलचल होती है, लगता है फिश आ गई, भारी हो गया नेट। चिंकी हेल्प हेल्प करो मेरी। चिंकी भागकर गट्टू का हाथ बटाती है। पापा मन ही मन दोनों का टीम वर्क देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों एकदम तेजी से डोरी खींचने लगते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। वाह मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, अब तो सचमुच मजा आएगा। गट्टू मम्मी देखो इतनी बड़ी फिश। मम्मी भी भागकर देखने आ जाती है। अरे ये फिश तो सच में बहुत बड़ी है, इतनी हम दोनों के लिए पर्याप्त है। आप दोनों आकर तब तक प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लो। थोड़ी देर में सब मिलकर फिश को पका लेते हैं और खाने लगते हैं। तब पापा कहते हैं वाव आज तक इतना मजा तो कभी नहीं आया फिश पकड़ने में, इतनी ताजी इतनी स्वादिष्ट। थैंक यू बच्चों, आप दोनों की वजह से आज हम भी बहुत लंबे बाद यहाँ आए। थैंक यू पापा, इतना मजा आया हमको फिशिंग करने में। और दोनों बच्चे दौड़कर पापा को हग कर लेते हैं। स्कूल का पीटी पीरियड। सुबह का वक्त बच्चों के लिए सेहतमंद होता है, और जब स्कूल में आनंददायी प्रार्थना गाते हैं तब वो और भी ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना गा रहे थे। इतनी शक्ति हमें दे ना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। प्रार्थना के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक एक कर सभी बच्चे आज का परिपाठ देने लगे। आज शनिवार है, आज का सुविचार स्वास्थ्य ही संपत्ति है। गट्टू के बाद चिंकी अपना परिपाठ देने गई। आज का सुविचार आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का परिपाठ खत्म हुआ। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.untunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बच्चों गट्टू और चिंकी ने आज जो सुविचार हमें सुनाया है उससे लेकर मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है हमारे पीटी टीचर के ट्रांसफर की वजह से एक महीने से पीटी पीरियड नहीं हो रहा है, और अब मुझे बताने में खुशी हो रही है हमारे स्कूल में नए पीटी टीचर आए हैं। स्कूल के नए पीटी टीचर सबके सामने आकर खड़े हुए। पीटी टीचर को सामने खड़ा देख बच्चों के मुंह बिगड़ गए, क्योंकि स्कूल में किसी को पीटी पीरियड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बच्चों जैसा कि गट्टू और चिंकी ने अपने सुविचार में कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है और आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए स्कूल में हर शनिवार परिपाठ के बाद पीटी पीरियड लिया जाएगा, और आज पीटी पीरियड होगा। नए पीटी टीचर बच्चों के उतरे हुए चेहरे को नोटिस कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नए पीटी टीचर तुमसे कुछ बात करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। आरोग्यम धन संपदा ये मंत्र हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमें खासकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको पीटी कराऊंगा, मुझे यकीन है कि आप सभी एंजॉय करेंगे। सभी बच्चे कुछ ही देर में पीटी यूनिफॉर्म में ग्राउंड पर आकर जमा हो गए। अरे बाप रे आज पीटी पीरियड है, पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ये सर भी काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। सही कहा गट्टू, ये सर स्ट्रिक्ट लग रहे नहीं स्ट्रिक्ट ही है। देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे, मुझे तो पीटी पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ आज का पीटी पीरियड बहुत थकान भरा होने वाला है, कितना अच्छा था जब पीटी टीचर ही नहीं थे। मैंने तो सोच लिया है
मैं आज सर दर्द का बहाना कर लूंगा ताकि मुझे धूप में खड़े रहकर पीटी ना करनी पड़े। गट्टू ऐसा मत करो, सभी थोड़ी ना सर दर्द का बहाना कर सकते हैं। पीटी टीचर के ग्राउंड पर आते ही बच्चों में बातचीत बंद हो गई। ठीक है बच्चों, हम हमारा पीटी पीरियड शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो, आज पहला दिन है तो मैं तुम सबको खुद करके दिखाऊंगा। पीटी टीचर अपने साथ एक ट्रेनर को लेकर आए थे जो ड्रम बजाकर इंस्ट्रक्ट कर सके। सावधान, और सभी बच्चे सावधान होकर खड़े हो गए। विश्राम, और सभी बच्चे विश्राम होकर खड़े हो गए। सावधान। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ट्रेनर ने ड्रम बजाना शुरू किया। टीचर ने पीटी का फर्स्ट पार्ट शुरू किया। ड्रम के बीट पर पीटी टीचर एक एक कसरत करने लगे। हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर, हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। पीटी का एक राउंड कंप्लीट होने पर पीटी टीचर ने ट्रेनर को ड्रम रोकने के लिए कहा। अब हम पीटी की अहम कसरत करेंगे। सावधान, विश्राम, सावधान। अच्छा, तो अब सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। ड्रम बजने लगा। पीटी टीचर ने अपने दोनों हाथ हवा में किसी पंछी की तरह ऊपर नीचे किए और ड्रम के इंस्ट्रक्ट होते ही सर ने अपने सर के ऊपर ताली बजाई। सभी शुरू करो। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ड्रम अचानक स्पीड में बजने लगा। उसी तरह बच्चे जोर से अपने हाथ हवा में उड़ाने लगे। बंटी तो बीच में रुक गया। सर के देखते ही बंटी फिर से शुरू हो गया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर जिद पर कसरत कर रहे थे। काफी देर तक पीटी कसरत चली, फिर ड्रम बंद हुआ। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया। अब मैं तुम सभी को कलरफुल हर्डल्स पर कसरत कराऊंगा। हर्डल्स? वो तो बड़ी बड़ी रेसेस में यूज होता है सर। यस गट्टू, मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे फ्यूचर में बड़ी बड़ी रेसिंग्स में हिस्सा लें और जीते भी। इंस्ट्रक्टर ने झटपट कलरफुल हर्डल्स ग्राउंड पर रख दिए। अच्छा, तो अब सभी बच्चे इस कलरफुल हर्डल्स के सामने खड़े हो जाएं। पहले गौर से मेरी ओर देखना, ठीक है? पीटी टीचर ने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब पीटी टीचर ने अपना एक पैर ऊपर उठाकर हर्डल के ऊपर से होकर जंप लगाई। ऐसे कर टीचर ने 7 हर्डल से नी जंप का रन लगाया। समझ गए बच्चों, तभी इस तरह से करेंगे। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन गट्टू, तुम तो पीटी पीरियड में सरदर्द का बहाना करने वाले थे ना? अरे चिंकी प्लीज, पीटी टीचर सुन लेंगे। मुझे पूरा पीटी पीरियड अटेंड करना है। सभी हंस पड़े। एक एक कर सभी ने सर की तरह हर्डल्स को रन किया। वाह सर, बहुत मजा आया। यस सर, हमने नई पीटी कसरत सीखी। आपने अलग तरह की पीटी करवाई, इसीलिए हमने एंजॉय किया। मैं तो अगले सैटरडे का वेट कर रही हूँ। बच्चे थक गए, लेकिन सभी ने एंजॉय किया। गुड गुड, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सर, अभी और करना है। हफ्ता हुआ बंटी बोल पड़ा और सभी हंस पड़े। अरे बंटी, आज का पीरियड यहीं तक था। और हाँ, पीटी पीरियड को लेकर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम हर सैटरडे होने वाले पीरियड के लिए 2 मॉनिटर चुनेंगे जो सबको सामने खड़े होकर गाइड करेंगे। क्या सर पीटी पीरियड का मॉनिटर भी होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं हर पीरियड में पीटी पीरियड का मॉनिटर रखता हूँ। और हमारे अगले पीरियड के मॉनिटर है गट्टू और चिंकी। अगले शनिवार तुम दोनों सामने खड़े रहकर बाकी सभी बच्चों को पीटी के मूवमेंट कर गाइड करोगे। लेकिन सर, क्या हम ठीक तरह से कर रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक से कभी पीटी किया ही नहीं है। हाँ गट्टू चिंकी, मैंने तुम दोनों को ध्यान से देखा। तुम काफी अच्छी कसरत कर रहे थे, इसलिए तुम दोनों नेक्स्ट पीटी पीरियड के मॉनिटर हो। थैंक यू सो मच सर। और इस तरह से गट्टू और चिंकी पीटी का असली मतलब समझ सके और उन्हें पीटी पीरियड का मॉनिटर बनाया गया। स्कूल प्रोजेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों,
अभी अभी बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए थे और आज से सर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे थे। इसका नाम था इमरजेंसी व्हीकल्स। चलो बच्चों, अपने अपने बुक्स खोलो, आज हम नया पार्ट सीखने वाले हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स। और किसे किसे पता है कौन कौन से इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं? इसी तरह मिलकर सारे बच्चों ने सारे आंसर्स दिए। आज सुबह ही मुझे नोटिस मिली है कि अगले हफ्ते स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन है। नाउ टुडे आई विल मेक ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट एंड आई विल गिव ईच टीम ए टाइटल एंड यू ऑल हैव टू मेक ए प्रोजेक्ट एंड सबमिट द मॉडल इन नेक्स्ट वीक। ओके, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में होगा? हर ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा और ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे साइंस बुक के आधार पर ही दिए गए हैं। गट्टू, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है इमरजेंसी व्हीकल्स। राजू, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है मैग्नेट एंड इट्स टाइप्स। गुड्डी, तुम्हारे ग्रुप का टॉपिक है रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। तुम्हें इन सभी प्रोजेक्ट्स के मॉडल बनाकर लाने हैं। चलो अभी मैं तुम्हारे चार चार मेंबर्स के ग्रुप बनाता हूँ और फिर तुम लोग घर जाकर प्रोजेक्ट मॉडल बनाना। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू, चिंकी, बंटी, हरी, तुम चारों का घर एक दूसरे के आसपास ही है। तुम एक ग्रुप में, ठीक है? तुम्हारा ग्रुप नंबर 1। ये बहुत मजा आएगा। तुम दोनों आज शाम स्कूल की छुट्टी पर मेरे घर पर आ जाना, फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अरे लेकिन हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे? सब लोग चुप रहो, मस्ती मत करो, मुझे अपना काम करने दो। इसी तरह टीचर ने सबको चार मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। स्कूल छूटते ही गट्टू चिंकी अपने घर पहुंचे और आज जो जो मस्ती की वो मम्मी पापा को बताने लगे। पता है मम्मी पापा, आज स्कूल में क्या हुआ? हम लोग ग्राउंड में खेल रहे थे और राजू खेलते खेलते धड़ाम से गिर गया। गट्टू, इस तरह दूसरों के ऊपर नहीं हंसते। वो सब छोड़ो ना, मम्मी पापा, हमें ना स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, वो भी नया। यू नो, वी हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड सबमिट द मॉडल इन नेक्स्ट वीक। यस, आई एम एक्साइटेड टू मेक द न्यू प्रोजेक्ट, बट हु विल हेल्प अस टू मेक इट? अरे तुम्हारे ट्यूशन टीचर से पूछो ना, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। चल चिंकी, जल्दी से ट्यूशन की तैयारी करें, हम ट्यूशन टीचर के पास जाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दोनों ने फटाफट तैयारी की और वो ट्यूशन जा पहुँचे। बताओ बच्चों, आज तुम्हें स्कूल में क्या होमवर्क मिला है? टीचर जी, आज हमें बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मिला है और वो हमें नेक्स्ट वीक तक सबमिट करना है। मैं, हरी और बंटी, हम चारों का एक ग्रुप है। हाँ, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम वो मॉडल कैसे बनाएंगे। प्रोजेक्ट किस बारे में है और कौन सा मॉडल बनाना है? इमरजेंसी व्हीकल्स। इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले हफ्ते तक बच्चों ने एक सुंदर सा एम्बुलेंस का मॉडल बना लिया और पापा की मदद से एम्बुलेंस के ऊपर इमरजेंसी हॉर्न भी लगा दिया। याहू, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कितना मस्त दिख रहा है। अब मैं ऐसे ही एम्बुलेंस का ड्राइवर बनूंगा और सारे लोगों की जान बचा लूंगा। बुद्धू, एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं, डॉक्टर पेशेंट की जान बचाते हैं। नहीं चिंकी, ऐसी बात नहीं करते बेटा। डॉक्टर तो पेशेंट की जान बचाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर भी पेशेंट की जान बचाने में उतने ही मदद करते हैं। अरे एम्बुलेंस के ड्राइवर टाइम पर पहुंच पाते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं, इसलिए वक्त रहते डॉक्टर पेशेंट की जान बचा पाते हैं। सॉरी पापा, इससे आगे मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। इसीलिए तो इन सारे व्हीकल्स को इमरजेंसी व्हीकल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके ड्राइवर वक्त रहते हर जगह पर पहुंच जाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। चलो अभी स्कूल का वक्त हो गया है, आज कंपटीशन है ना, जल्दी जाओ। सभी बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर कंपटीशन में पहुंच गए। गट्टू और चिंकी का प्रोजेक्ट बहुत मस्त बना था, बंटी और हरी ने भी उन्हें बहुत मदद की थी। अब बारी थी प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले आया राजू का ग्रुप। मॉडल दिखाकर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। We have this magnet and in this magnet we have the south pole and the north pole.
विच गिव यू द अट्रैक्टिव फोर्स टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। मैग्नेट का उपयोग बड़े बड़े कंपनीज में मशीन्स में किया जाता है। थैंक यू। वेरी गुड बच्चों, अब अगली बारी है गट्टू के ग्रुप की। गट्टू, चिंकी, हरी और बंटी अपने मॉडल्स दिखाकर उनके बारे में बताने लगे। हेलो एवरीबॉडी, ऑल वी आर प्रेजेंटिंग यू द प्रोजेक्ट ऑफ इमरजेंसी व्हीकल्स। वी हैव डिफरेंट इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंस। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो उसके लिए हम एम्बुलेंस यूज करते हैं। वी हैव फायर ब्रिगेड। जब कहीं पर आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड इमरजेंसी व्हीकल बनकर आती है और आग में फंसे हुए लोगों को बचाती है। दिस इज अ पुलिस वैन। अगर किसी घर में चोरी होती है और हमने 100 डायल किया तो पुलिस वैन जल्दी से आ जाती है और चोरों को पकड़ कर ले जाती है। थैंक यू। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। सारे बच्चों के प्रेजेंटेशन हो गए और आखिरकार रिजल्ट का वक्त आ गया। तो आज के विनर है गट्टू, चिंकी, हरी और बंटी का ग्रुप। ये हम जीत गए। चारों भी दौड़ते दौड़ते स्टेज के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने गेस्ट के हाथ से अवार्ड लिया। कंग्रेचुलेशंस बच्चों। गट्टू, चिंकी और दादा दादी एक सुनहरी शाम में दादा और दादी गांव के ग्राउंड में आए हुए थे। वहां बच्चे खो खो खेल रहे थे। मैं उसी माहौल से ऊब जाती हूँ। कितना अच्छा होता अगर बच्चे यहाँ होते। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या करें, उनका भी तो करियर है, इसलिए तो वो शहर गए हैं। हाँ, लेकिन चिंकी और गट्टू को भी शहर ले जाने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ हमारे साथ होते तो कितना एंजॉय करते। अरे बाबा, उनको भी तो अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते। लेकिन गांव में हम तो होते हैं। हम उन्हें अच्छे संस्कार देते और सिखाते भी। अरे रोज फोन तो करते हैं वो। हाँ, लेकिन मुझे उन सब से मिलने की बहुत आस है। ऐसा लगता है कि वो जल्द से जल्द अगर इस समर वेकेशन में आएंगे तो हम उन्हें बीच पर सैर के लिए लेकर जाएंगे। मैं उनके लिए बहुत मस्त मिठाई बनाऊंगी। और मैं उनके लिए पेड़ से आम तोड़ कर लाऊंगा। हाँ हाँ, अब सपने देखना बंद करो और घर चलो। दादा दादी घर ही जा रहे थे कि तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है और गाड़ी में से गट्टू, चिंकी उतर कर दादा दादी के पास दौड़ते हैं। अभी तो हमने सोचा था कि बच्चे कब आएंगे और ये क्या है, तुरंत बच्चे सामने। मुझे लगा बस मुझे ही वहम हो रहा है। क्या आपको भी बच्चे दिख रहे हैं? हाँ बाबा, सच में बच्चे आए हैं। हेलो पापा मम्मी। मम्मी और पापा दादा दादी जी के पैर छूते हैं और चिंकी और गट्टू तो जैसे उनके ऊपर उछलने लग जाते हैं। दादाजी, हम आ गए। हमें आपसे मिलना था, इसीलिए हमने जिद पकड़ ली। हमें भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी पापा मम्मी, इसलिए हम तुरंत यहाँ चले आए। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.untunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम भी अभी वही बात कर रहे थे, हमें बच्चों की बहुत याद आ रही थी। दादाजी, मेरे आम कहाँ है? अरे चलो अभी अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो, फिर खेत में जाकर भरपूर आम खाना, ठीक है? जैसे ही सभी लोग अंदर जाते हैं तो चिंकी बोल पड़ती है। दादी जी रुको, अभी आप कुछ काम नहीं करोगे, अभी सब काम हम करेंगे। आप बस यहीं बैठो और हमें कहानियाँ सुनाओ। अच्छा अच्छा, बताओ कौन सी कहानी सुननी है? मुझे बड़े से राक्षस की कहानी सुननी है। मुझे अकबर बीरबल की कहानी सुननी है। और दादी उन्हें बहुत अच्छे से अपने साथ कहानियाँ सुनाते सुनाते सुलाती हैं। दूसरे दिन सभी लोग मिलकर कैरम खेल रहे थे। दादाजी, वो व्हाइट गोटी मारना, व्हाइट गोटी, हाँ अच्छे से एम लगाना, एम। दादाजी आपका एम कितना सही है, मुझे भी सिखाओ ना।
मैं बोर हो रहा हूँ, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, हम बीच पर घूमने जा सकते हैं। ये हम बीच पर जाएंगे, हम बीच पर जाएंगे। और सभी लोग बीच पर घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। दादाजी, ये इतना बड़ा समंदर, इतने सारे पानी, ये कहाँ खत्म होता है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे दूसरा देश है। मुझे वो दूसरे देश जाना है, हम कैसे जा सकते हैं? अरे बच्चों, तुम्हारे माँ पापा गांव छोड़कर शहर गए, तभी हमें बहुत बुरा लगा। तो अगर तुम दूसरे देश में जाओगे तो तुम्हारे माँ पापा को और साथ में हमें भी बहुत बुरा लगेगा। तुम लोग हमेशा हमारे साथ ही रहना। आप दोनों हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हमें आपकी बहुत याद आती है। अरे हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, यहाँ खेती बाड़ी भी तो संभालनी है। खेती बाड़ी किसी और को संभालने के लिए दे दो ना, और आप हमारे साथ चलो। हमारे दोस्तों के दादा दादी उन्हें पार्क में घुमाने के लिए लेकर आते हैं, तो उन्हें देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। अगर आप दोनों हमारे साथ रहोगे तो बच्चों पर भी अच्छे संस्कार होंगे। हाँ पापा, अब तो चलो हमारे साथ, अब बच्चे भी नहीं मान रहे। दादा दादी, आप हमारे साथ आओगे तो आप जब चाहो हमारे साथ खेल सकते हो, और हर रोज आप हमें कहानियाँ भी सुनाओगे। आपको हम पसंद है या नहीं, चलो ना आप हमारे साथ। आपको हमारे साथ आना ही होगा, वरना हम यहीं रुक जाएंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, हम दोनों आएंगे तुम्हारे साथ। ये फाइनली दादा दादी हमारे साथ आएंगे, ये। और जैसे ही सब लोग घर पर आते हैं, तभी शाम में पूरा घर चिंकी और गट्टू का डेकोरेट होता है और दादा दादी को सरप्राइज देते हैं। वेलकम होम दादा दादी। दोस्तों, असली शिक्षक तो घर के बुजुर्ग ही होते हैं, प्यार से ही बच्चों को तजुर्बा पढ़ा देते हैं। गट्टू विजिट ए फार्म। गट्टू के पापा के बहुत 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 दोस्त थे और उनके सभी दोस्त उनके घर आया जाया करते थे, इसलिए गट्टू चिंकी की पापा के सारे दोस्तों के साथ काफी अच्छी दोस्ती हुई थी। पापा के दोस्त जब भी आते तो खाली हाथ नहीं आते थे, गट्टू चिंकी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया करते थे, जैसे कि ढेर सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और भी बहुत कुछ। एक संडे की बात है, गट्टू चिंकी और पापा तीनों को छुट्टी थी, इसलिए सब काफी रिलैक्स बैठे थे। तभी पापा बोले, बच्चों तैयार हो जाओ, तुम्हारे मनीष अंकल आ रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी बहुत 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 खुश हुए और नाचने लगे। ये बा अदब बा मुलायजा, होशियार, हमारे प्यारे प्यारे मनीष अंकल पधार रहे हैं। गट्टू ने मनीष अंकल के आने की खबर रॉयल अंदाज में सुनाई और मनीष अंकल की एंट्री हुई। अरे किसान हूँ भाई, कोई राजा महाराजा नहीं। अंकल के हाथ में उनके फार्म से लाई हुई सब्जियाँ और फ्रूट्स थे। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भाई मनीष, तुम हमारे लिए किसी राजा महाराजा से कम थोड़ी हो। अरे जब भी आते हो हमारे लिए फार्म से फ्रेश फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स लाते हो। अब इतना बड़ा दिल और शहर के किनारे इतना बड़ा फार्म, तो किसी राजा महाराजा का ही हो सकता है। ये सुनकर मनीष अंकल के साथ साथ मम्मी भी हंसने लगी, और फिर मम्मी ने मनीष अंकल से सारा सामान ले लिया और वो अंदर चली गई। हॉल में पापा और गट्टू चिंकी मनीष अंकल के साथ बैठ कर बातें करने लगे। दरअसल मनीष अंकल इंजीनियर थे, लेकिन साथ साथ खेती भी करते थे। शहर के किनारे ही उनकी लंबी चौड़ी जमीन थी। बताओ गट्टू चिंकी, कब चलना है अपना फार्म देखने? जब आप ले चले। अरे मनीष, ये दोनों तो कब से तैयार बैठे हैं, तुम्हें जब वक्त हो तो दोनों को फार्म घुमा लाओ। अरे तो आज ही चलो, क्योंकि मेरे पास आज वक्त ही वक्त है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी नाचने लगे। ये हम फार्म जाएंगे, हम फार्म जाएंगे। फिर गट्टू चिंकी फटाफट रेडी हो गए और मनीष अंकल के साथ उनकी कार में बैठकर उनके फार्म की तरफ निकल पड़े। जैसे ही गट्टू चिंकी ने जमीन पर कदम रखा, उन्हें फ्रेश फ्रेश हवा और नेचर की शांति का एहसास हुआ। वाओ,
ऐसा फ्रेश ऑक्सीजन और ऐसी शांति शहर में कभी मिल ही नहीं सकती। अंकल, आपका फार्म कहाँ है? वो देखो सामने। गट्टू चिंकी ने सामने देखा तो वो देखते ही रह गए। सामने ऐसी हरियाली और उस हरियाली के बीच ऐसा खूबसूरत फार्म हाउस था जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। गट्टू चिंकी ने फार्म देखा और वो फार्म की तरफ भागने लगे। तभी उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की जोरदार आवाज आई। गट्टू चिंकी ने देखा कि एक कुत्ता भौंकते हुए उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। कुत्ते को देखकर चिंकी जोर से चिल्लाई, ओह मैजिक! गट्टू देखो, हमारा मैजिक कितना बड़ा हो गया है। और दोनों मैजिक को पुकारते हुए दुगुनी रफ्तार से मैजिक के पास आए। मैजिक दोनों को चाटने लगा। गट्टू चिंकी ने उस पर प्यार बरसाया और खास उसके लिए लाए हुए बिस्किट उसे खिलाया। दरअसल मैजिक गट्टू चिंकी का ही डॉगी था। जब वो छोटा था तब पापा उसे लेकर आए थे। मम्मी को डॉगी पसंद नहीं है, इसीलिए मनीष अंकल मैजिक को अपने फार्म हाउस लेकर आए थे। मैजिक अब काफी बड़ा हो गया था और फिर भी उसने गट्टू चिंकी को पहचान लिया था। फिर गट्टू चिंकी, मैजिक और मनीष अंकल चारों फार्म घूमने लगे। मैजिक सबसे आगे था, मानो वो गट्टू चिंकी को पूरा फार्म दिखा रहा था। गट्टू चिंकी, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैजिक फार्म छोड़कर कहीं नहीं जाता। फार्म की देखभाल और सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी मैजिक पर है। फिर गट्टू चिंकी ने सब्जियों के खेत देखे जिसमें टमाटर, गोभी, पालक और गाजर के खेत थे। गट्टू चिंकी ने एक एक लाल गाजर जमीन से निकाला और पानी की बहती धारा में उसे अच्छे से धोकर खाने लगे और खाते खाते बातें भी होने लगी। वाओ अंकल, ऐसा लग रहा है मैं गाजर नहीं नेचर टेस्ट कर रहा हूँ। सच में, क्या फ्रेशनेस है, क्या स्मेल है, क्या स्वीटनेस है। हम जब मार्केट से कैरेट लाते हैं उनमें ऐसा स्वाद नहीं होता। उसके दो कारण हैं। एक तो वो उतने फ्रेश नहीं होते और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, वो केमिकल्स का यूज करके उगाए जाते हैं, जैसे कि कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके। लेकिन हमारे फार्म में सब कुछ 100% ऑर्गेनिक है। कंपोस्ट जैसे खाद फार्म में ही निर्माण किए जाते हैं और सारे प्लांट्स को दिए जाते हैं, उसी का कमाल है ये। फिर गट्टू चिंकी ने कंपोस्ट का प्लांट देखा। उसके बाद उन्होंने फार्म में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी देखे, जिसमें एक था डेयरी डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारी गाय और भैंस थी। उनका दूध निकालकर प्रोसेस होती थी वहाँ। यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। गाय को जो चारा खिलाया जाता है उससे दूध मिलता है और चारे का जो गोबर बनता है उसे कंपोस्ट बनता है। फिर उन्होंने एक डिपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारी मुर्गियां थी। वो फार्म को अंडे देने का काम करती थी। फिर गट्टू चिंकी ने फिश डिपार्टमेंट देखा। एक बहुत बड़ा अंडे का आकार वाला तालाब बनाया गया था। उसमें बहुत सारा फ्रेश पानी था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने मैजिक और मनीष अंकल के साथ घूमकर फार्म का एक एक कोना देखा। फिर उन्होंने वही अंकल और मजदूरों के साथ बैठकर लंच किया। लंच में ज्वार की भाकरी, मेथी की हरी सब्जी और साथ में फ्रेश प्याज, गाजर, मूली, हरी मिर्ची और अलग अलग प्रकार की चटनियां भी थी। वाह, ऐसा लंच मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। सच में सब कुछ अद्भुत है यहाँ। फिर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर फार्म हाउस में आराम किया। फार्म हाउस ब्यूटीफुल फार्म में बसा एक काफी खूबसूरत और आलीशान घर था जिसमें शहर वाली सारी सुख सुविधाएं थी। फिर गट्टू चिंकी ने फार्म के मजदूरों के साथ घूम घूम कर उनका काम समझा और साथ साथ उनके साथ ढेर सारी बातें भी की। और देखते देखते शाम हो गई। अब बारी आई थी फार्म छोड़ने की। गट्टू चिंकी और मनीष अंकल कार की तरफ बढ़ने लगे तो मैजिक भी पीछे पीछे आने लगा। मैजिक, तुम हमारे पीछे मत आओ, हम अब जा रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, हम अगले संडे फिर आएंगे। ये सुनकर मैजिक वापस फार्म हाउस की तरफ भाग गया और गट्टू चिंकी कार में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। डिजर्ट सफारी। गट्टू और चिंकी शाम के स्नैक्स खा रहे होते हैं तभी पापा ऑफिस से घर लौट आते हैं। दोनों दौड़कर पापा के गले लग जाते हैं। पापा! बच्चों, मैं आज आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। क्या पापा, जल्दी बताइए ना। ये लो। ये क्या है पापा? ये है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के फैमिली पासेस। अब तैयारी शुरू कर दो,
हम सभी थार रेगिस्तान घूमने जाएंगे। दोनों बच्चे पासेस देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। वाओ, हम डेजर्ट सफारी करेंगे, ऊंट पर बैठेंगे ना पापा? हाँ। ये किस शहर में होगा पापा? बेटा ये बीकानेर में होगा। बीकानेर अपने डेजर्ट खाने पीने पहनावे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल होता है, वहीं पर ऊँटों की सबसे बड़ी संस्था बनी हुई है। सच्ची? हाँ हाँ, और खुशी की बात है कि शर्मा अंकल ने उसी फेस्टिवल के पासेस मुझे दिए हैं अपने विंटर वेकेशन के लिए। कैसा दिखता होगा डेजर्ट? खूब मिट्टी होगी, मैंने तो खाली यूट्यूब में देखा है। हमारी धरती अलग अलग रूपों में दिखती है, अलग अलग जगह, जैसे हम सब होमो सेपियंस हैं, लेकिन हम सब का नाम और शक्ल अलग अलग होते हैं। जब तक कि कोई ट्विंस ना हो, उसी तरह से धरती के भी अलग अलग आकार, प्रकार, रंग रूप होते हैं। वाओ मम्मी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हम डेजर्ट घूमने जाएंगे, वहाँ पर कैमल देखेंगे। हाँ हाँ, हम बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर घूमने जाएंगे। आप तैयारी कर लेना, बाकी यूट्यूब पर इसके बारे में और समझ लेना, और कौन कौन सी जगह घूमनी है इसकी लिस्ट बना लेना आप, ठीक है? स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गट्टू चिंकी भी घर आ जाते हैं। मम्मी सबके लिए खाना परोस देती है। गट्टू लगातार यूट्यूब पर थार रेगिस्तान के वीडियो देख रहा होता है। गट्टू पहले खाना खा लो, फोन साइड में रख दो। मम्मी पापा जी ने हमको डेजर्ट का वीडियो देखने को कहा है, हमने देखा नहीं है ना, इसलिए हम जाने वाले है ना। तभी पापा जो कि दूर खड़े इनकी बातें सुन रहे होते हैं, वो हंसने लगते हैं। अरे बाबा, सब कुछ थोड़ी देख लेना है यूट्यूब में, वरना वहाँ जाकर क्या देखोगे? हाँ, मैंने तो बस लिस्ट बनाने को कहा था। खैर अब छुट्टियाँ हो गई है, हम डिजर्ट घूमने निकलेंगे परसों, ठीक है? आपको वहाँ डिजर्ट सफारी, कैमल सफारी सब कुछ करवाएंगे। लेकिन हम कौन कौन से शहर देखेंगे? मैं तो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ ही एक बार घूमने गई हूँ। आप नानी के साथ घूमने गई थी? हाँ बेटा, जब मैं आपके जितनी छोटी थी। देखो भारत में डेजर्ट बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में है, वहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर भी लगता है। हम आप दोनों को बॉर्डर भी दिखाएंगे, डेजर्ट वाले शहर भी, और आपकी मम्मी की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। वाह पापा, मैं कैमल के साथ खेलूंगी पापा। बिल्कुल खेलना बेटा। और कुछ दिन बाद सभी फ्लाइट से राजस्थान घूमने निकल जाते हैं। जोधपुर उतरने के बाद पापा एक कैब करते हैं, जिसके द्वारा सब लोग जैसलमेर के लिए निकल जाते हैं। डेजर्ट पहुंचते ही गट्टू चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। इतनी सारी मिट्टी पापा, अरे ये तो एकदम मिट्टी के पहाड़ लग रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ये मिट्टी के पहाड़ ही तो है, लेकिन इस पहाड़ की खूबसूरती ये है कि ये हवा के साथ उड़ भी जाते हैं और अपनी जगह भी बदलते रहते हैं। बाप रे बाप, उड़ने वाले पहाड़! यहाँ तो पानी ही नहीं पापा, यहाँ के लोग नहाते कैसे हैं? पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे। बेटा यहाँ पर नहर लाई गई है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा, जो कि जैसलमेर तक आती है। नहर क्या होती है पापा? नदियों से पानी काट कर उन जगहों पर भेजा जाता है जहाँ पानी ना हो। पहले यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था, लेकिन अब सबके घरों में जरूरत जितना पानी आ ही जाता है। और हाँ बच्चों, यहाँ पर आपको कैक्टस, खाड़ियाँ और वो छोटी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे मिलेंगे, जिनको बड़ा होने के लिए कम पानी की जरूरत होती है। हाँ, कुदरत अपने हिसाब से कितना सुंदर काम करती है। पानी की कम जरूरत होती है तो ये पेड़ अच्छे से पनप भी जाते हैं। चलो अब हम सम के रेगिस्तान में चलते हैं। सभी लोग जैसलमेर के सम के धोरों में पहुँच जाते हैं। वहाँ दूर दूर तक बस पसरा हुआ रेगिस्तान था। बहुत से काल बेलाई लोग नाच रहे होते हैं और कुछ लोग ऊँट को लेकर घूम घूम कर सैलानियों को ऊँट सवारी करवा रहे होते हैं। पापा मुझको भी ऊँट पर बैठना है। हाँ पापा, फिर उसके बाद वहाँ नाचना भी है उन आंटी के साथ। ठीक है, हम एक एक करके सब एक्टिविटी करेंगे। पापा इशारों से ऊँट वाले को बुलाते हैं। भाई हम सबको ऊँट की सवारी करनी है। आपको दो ऊँट लगेंगे, एक पर एक बड़ा और एक बच्चा बैठ पाएगा। ओह ठीक है। थोड़ी देर में एक ऊँट पर पापा और चिंकी और दूसरे ऊँट पर गट्टू और मम्मी बैठ जाते हैं। ऊँट जब उठने लगता है तो दोनों बच्चे खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगते हैं। आया मजा चिंकी? हाँ पापा, वो देखो पूरा डेजर्ट दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम गोल्ड के जैसे। इसलिए हम सबको सोने की धरती बोलते हैं गुड़िया।
क्योंकि जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तो ये एकदम सोने के जैसे चमकदार दिखने लगता है। हाँ, एकदम सोने जैसा दिख रहा है ये तो। आधा घंटा घूमने के बाद सब नीचे उतर जाते हैं और गट्टू चिंकी तुरंत काल बेलिया की तरफ भागते हैं। पापा मम्मी भी उनके पीछे पीछे आते हैं। अरे बाबा, धीरे दौड़ो। काल बेलिया जोर जोर से गाना गा रहे होते हैं, वो बीन भी बजा रहे होते हैं। ये क्या है मम्मी? ये सपेरे हैं बेटा, बीन बजाकर सांपों को पकड़ते हैं। इनका संगीत विश्व प्रसिद्ध हो गया है। चिंकी तो खुशी में जोर जोर से नाचने लगती है। उसके साथ ये देखकर गट्टू भी खुद को रोक नहीं पाता, वो भी नाचने लगता है। तभी एक काल बेलिया लड़की पापा मम्मी का हाथ पकड़कर उनको भी नचाने लगती है। सब एकदम मस्त होकर रेगिस्तान धरती का आनंद ले रहे होते हैं। नाचते नाचते मम्मी कहती है, भूलना मत, हमको बच्चों को बॉर्डर दिखाने भी ले जाना है। हाँ हाँ, याद है मुझे, बस अभी निकलेंगे यहाँ से। मैं कैब वाले को बुला लेता हूँ। थोड़ी देर बाद कैब में बैठकर सब जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। पापा, ये तो बस मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है सब जगह, और कुछ है ही नहीं। बेटा, थार रेगिस्तान विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर राजपूताना था आजादी के पहले, जिनके महल किले भी बहुत प्रसिद्ध है इस मिट्टी के जैसे ही। पापा, लेकिन कितनी सुंदर जगह है ना ये, एकदम अलग है पहाड़ों से तो। हर जगह की अलग अलग खूबसूरती होती है बेटा। जैसे मुंबई में समुद्र है, लोग वहाँ समुद्र देखने जाते हैं। साहब, बॉर्डर आ गया है, यहाँ से आगे आपको BSF से परमिशन लेकर जाना होगा। पापा बाहर आकर चौकी पर बॉर्डर देखने की परमिशन लेते हैं। गट्टू चिंकी, ये सब हमारे फौजी भाई हैं। हमारे देश की रक्षा ऐसी रेतीली जगह पर रहकर करते हैं। सबको जय हिंद बोलो। ओके मम्मी। गट्टू और चिंकी सभी सिपाहियों को मिलकर सैल्यूट करते हैं, जय हिंद बोलते हैं और दूर से रेगिस्तान में बॉर्डर को निहारते हैं। हम आगे नहीं जा सकते क्या पापा? नहीं बेटा, इसको लाइन ऑफ बॉर्डर कहते हैं। यहाँ से हमारे देश की सीमाएं खत्म हो जाती है। कितना सुंदर है ना हमारा देश मम्मी, यहाँ पर सब कुछ है, पहाड़, डेजर्ट, समुद्र, रिवर, सब। हाँ बेटा। बच्चे फिर से डेजर्ट में उछल कूद मचाने लगते हैं। मम्मी और पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं।